अभी लाइव एक बार चैट बॉक्स में आग लगाना बताना मुझको फटाफट क्या लाइव है चैट बॉक्स में आग लगाए बताए फटाफट आग लाइव क्या चाल, चाल कैसा नजारे लोग एक बार फटाफट चैट बॉक्स में आग लगा दो प्यार भर दो और मुझको तभी मुझे लग रहा है कि साउंड में कुछ इशू है अभी माइक को थोड़ा सा जगह पर कर लेते हैं जरा साउंड एक बार चेक करना बताना साउंड सही है जगास बना तो एक बार जोश बढ़ा लो और अटेंडेंस लगा दो कितने लोग हैं जो कि रेगुलर आ रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में मुझको बताना कितने लोग हैं जो कि रेगुलर आ रहे हैं हाँ तो बता दे मुझको कितने लोग जो है वो लगातार क्लास लगा रहे हैं एंड सी आज की क्लास भाई जी वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक तो आप अगले तीन चार घंटे में जी पूरा सीखने वाले हैं और दूसरा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का के पता है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेकलम पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभी यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है का के। यहीं से इसी से बेस बनता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस सेशन को रिवाइज करना अच्छे से और इस सेशन में मैं जीरो से लेकर के ऊपर तक जाऊंगा एसिडिटी बेसीडी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा मैंने स्टार्टिंग में माइंड मैप वगैरह बना दिए हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट समराइज रहेंगे बट उससे पहले आपसे चाहिए था कि आप बताओ मुझको कितने लोग हैं जो कि कंटिन्यूअसली आ रहे हैं लगातार क्लास लगा रहे हैं इस रुद्र सीरीज की आज आज थर्ड डे है एंड आई थिंक दैट के फिफ्थ क्लास है राइट सो कितने लोग हैं जो कि अटेंडेंस कंटिन्यूअसली लगा रहे हैं कमेंट्स में जरूर बता करके जाना चैट में तो मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा मिस कर जाऊंगा बट जरूर कमेंट में बता करके जाना एंड जोश इसी तरह से हाई रखना जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लेना स्टार्ट करने वाले सेशन को आप तैयार हैं करें शुरू बताओ कैसा जोश करें शुरू ओके okay, चलो तो फिर शुरू करते यार टाइम लगाते हम स्टार्ट करने वाले इंडक्टिव इफेक्ट से लेकिन तरीका क्या रहेगा हमारा हम मैपिंग करेंगे हम कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट से मेसोमेरिक इफेक्ट जाने में क्या डिफरेंसेस आते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ये तो सबको पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है राइट है ना पता और आपने अच्छे से ये सब कार्बन चेन बना करके ये डिस्कशन किया हुआ होगा देखा हुआ होगा नहीं देखा हुआ होगा जिन्होंने उनके लिए मैंने, मैंने मैपिंग करके रखी हुई है यहां पर डिस्कशन करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को आपको अपने कॉन्सेप्ट की समरी इस तरह से रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो भी इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट है पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मैंने समराइज किया हुआ इंडक्टिव इफेक्ट को और मैं इधर लिख भी दूं कि भाई अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट रिकॉल कराना हो तो ऐसे रिकॉल कराया कीजिए देखिएगा ऐसे रिकॉल कराया कीजिए कि यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होता है दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है तीसरी बात जो ध्यान में रखनी वो ये कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन दोनों के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिस्कस होती है सिर्फ और सिर्फ एटम के लिए नहीं होती है अगर सिर्फ और सिर्फ एटम के लिए होती ना तो फिर फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई शो करता लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्लोरीन की औकात माइनस आई में बहुत नीचे होती है इवन के कार्बोनाइल स्पेश वाले उनके कॉम्पेटेटिवली भी फ्लोरीन नीचे होता है काफी सबसे ऊपर जो माइनस आई में ग्रुप आते हैं वो आते हैं प्लस एन वाले ग्रुप और जितने भी ग्रुप जो प्लस आई सबसे अच्छा शो करते हैं वो सारे स्पेशीज निगेटिव चार्ज वाले होते हैं ठीक है तो ये अकेले ही इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट की समरी है ये भी ध्यान रखना है कि ये एक वीक इफेक्ट है तो आप जब कभी भी कोई भी डिस्कशन करेंगे तो सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचेंगे प्रॉमिस कर लीजिए यूजअली यही होता है कि आप चूंकि पढ़ना शुरू करते हो इंडक्टिव इफेक्ट से तो वो ज्यादा समय के लिए दिमाग में रहता है और इसके आगे जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा कम रहते हैं दिमाग में तो गड़बड़ ये होती है आपको ये फील होता है कि भैया इंडक्ट इफेक्ट पहले लगा लो जबकि आपने सबसे स्ट्रांग इफेक्ट सबसे पहले लगाने होते हैं जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उसके बाद हाइपर कंजुगेशन उसके बाद इंडक्ट इफेक्ट राइट तो भाई वीक इफेक्ट है बट यहीं पर देखो चूंकि मुझे समराइज करना था और इसमें मैप बना करके देना था कि तुम दिमाग में इन्हीं बातों को रखना ये तुम्हारे लिए शॉर्ट समरी तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स के जैसे। तो तुम्हें क्या करना है जैसे ही तुम ये लिखते हो कि भैया अप्लाई एलक्ट्रों करना है लास्ट में ठीक है ये इसका मीनिंग है बट साथ, साथ ध्यान रखना है, कि बहुत बेशरम है। तुम्हारे जैसे बेशरम ये तो हेलोजेंस क्या करते हैं जो माइनस आई है ना वो उनके इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पर डोमिनेट डौमिने, डोमिनेट करता है जो प्लस एम कैरेक्टरिस्टिक है उनकी लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से किसी भी किसी भी आइटम पर अगर लोन पेर प्रेजेंट होता है तो बिहेव करता है प्लस एम के जैसा या निगेटिव चार्ज होता है तो बिहेव करता है प्लस एम के जैसा तो हेलिजेंस भी प्लस एम होते हैं बट उनका जो ओवरऑल नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विद है बिकॉज उनका जो माइनस आइए यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी है उनकी वो उनके पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन डौने, पर भी डोमिनेट करती है तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन पर डोमिनेट करने की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट आता है जो ओवरऑल नेचर आता है है उनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता डन तो ये पार्ट हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का बेस अब आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन पर तो जब कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बातचीत होगी पाई इलेक्ट्रॉन का पहले तो मीनिंग क्लियर रखना है क्या मीनिंग होता है पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है मूवेबल इलेक्ट्रॉन और इस मूवेबल इलेक्ट्रॉन में मोबाइल इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज लोन पेयर पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल ये चारों आते हैं तो नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड भी है फ्री रेडिकल्स भी है लोन पेयर भी है सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हाई है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट मीनस जहां पर निगेटिव चार्ज है जहां पर लोन पेयर है वो सारे के सारे प्लस एम वाले स्पेशज होते हैं और मैंने यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना दी है देखो याद रखना ये पार्ट तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट है इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे तुम्हारे क्लियर होते हैं प्लस एम और माइनस एम के तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो ध्यान में रखना है निगेटिव चार्ज में सबसे ज़्यादा है उसके बाद लोन पेयर में है उसके बाद पाई बॉन्ड में है एंड सबसे खराब वो वैकेंड ऑर्बिटल में वैकेंड ऑर्बिटल वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैकेंड ऑर्बिटल वाले पॉइंट से ही माइनस एम ग्रुप समझ में आता है तो यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल से रिलेटेड एक पॉइंट आप नोट करो माइनस एम ग्रुप पहचानने में आपको ना काफी दिक्कतें होती हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं तो माइनस एम ग्रुप का बेस क्या है वैकेंट ऑर्बिटल या तो दिख जाए या फिर वैकेंट ऑर्बिटल ना बनाया जा सके जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं जैसे एन डबल बॉन्ड ओ है जैसे एस डबल बॉन्ड ओ है ये सारे जो ग्रुप्स हैं इन सब में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से किया जा सकता है। तो माइनस एम ग्रुप को पहचानने के लिए पहले से वैकेंड ऑर्बिटल हो या बनाया जा सके अगर बनाया जा सके की बात हो रही है तो जितने भी सी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो एस डबल बॉन्ड हो सब में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है और शिफ्ट होकर वैकेंड ऑर्बिटल जनरेट कर सकता है स्पेशली कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप है पता है तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आता है उसके बाद एंड डबल बॉन्ड ओ बहुत आता है तो इन दोनों का स्पेशल ध्यान रखना है कि जब कभी भी तुम्हें सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई दे तो इसे सी प्लस ओ माइनस में कन्वर्ट करके सोचना है कि अच्छा हा, हाँ यहां पर भी वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो सकता है और ये भी बिहेव भी कर सकता है माइनस एम के जैसा इनफैक्ट तुम्हें तो ध्यान रखना है कि जितने भी कार्बोनाइल होते हैं सी डबल बॉन्डो वाले इन डबल बॉन्डो वाले सारे माइनस एम और माइनस आई होना ही होना है ये तुम्हारे लिए शॉर्टकट होना चाहिए कि सारे माइनस एम और माइनस आई होना होते ही होना हो हो इनको इसलिए क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है और माइनस एम इसलिए क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट किया जा सकता है या तो जन्म से वैकेंट ऑर्बिटल हो या जनरेट किया जा सके ऐसे सारे स्पेश माइनस एम बोलते हैं ओके यहां पर सेकंड माइंड मैप है जिसमें कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप माइनस आई होता है माइनस एम होता है प्लस एम होता है प्लस आई होता है तो तुम्हें फर्स्ट आइटम का ध्यान रखना है फर्स्ट आइटम का फर्स्ट आइटम किसी भी ग्रुप की बातचीत की जाए कि इस ग्रुप को पहचानोगे ग्रुप जो है माइनस एम है माइनस आई है जैसे मैंने एक ग्रुप लिया ओ OH, एच इसे पहचानना है तो इस ग्रुप को पहचानने के लिए तुम्हें इस ग्रुप के फर्स्ट आइटम पर फोकस करना है तो फर्स्ट आइटम कौन है इसका ऑक्सीजन क्योंकि ये कार्बन चेन से जुड़ा होगा तभी तो यहां पर हमने फ्री वैलेंसी छोड़ दी होती है। तो ओएच OH है तो इस ओ OH एच ग्रुप को अगर पहचानना है कि ये प्लस है या माइनस में तो तुम्हें इसके फर्स्ट आइटम पर फोकस करना है फर्स्ट आइटम के पास लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज है तो ये प्लस एम हो गया अगर ऐसा कुछ है कि आपने यहां पर एल्डिहाइड या किटोन या

और फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर करनी है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जब भी हम माइनस आई प्लस आई डिस्कस करते कम है अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और फिर वो माइनस आई कहलाएगा जो है अभी ओएच OH, करेक्ट तो ओएच OH ग्रुप कैसा है माइनस आई प्लस डोनेट करता है लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल करता है माइनस आई प्लस एम ग्रुप है ठीक है ऐसे ही सारे ग्रुप्स को पहचानना होता है डन चैट बॉक्स में बता दो मुझको जल्दी से ये बात अगर क्लियर हो गई है तो बिल्कुल जगह से ना तो इस तरह से फर्स्ट आइटम पर फोकस करके आप नेचर को डिसाइड करते हो अगर वैकेंट ऑर्बिटल है या प्रोड्यूस किया जा सकता है तो माइनस और अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो वो प्लस अगर एसपी कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो प्लस माइनस आई कब होगा जब उस फर्स्ट आइटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी एसपी थ्री कार्बन से डन ये सेकंड माइंड मैप हमारा कंप्लीट हो गया चलते आगे नेक्स्ट भाई प्लस एम ग्रुप या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर तुम्हें पहचानना हो कि ये प्लस एम ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा माइनस एम ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा तो वो बेसिक अपने ना अपने बेसिक आईक्यू से निकल जाता है यहां पर ऐसा नहीं है कुछ भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा फंडे लगाने पड़ते हैं या बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है या किसी बंदे ने कभी पहले जीओसी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बहुत दिक्कत है ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप देखो पहला यहां पर आप देख रहे हो जो ऑर्डर बताया गया प्लस एम का इलेक्ट्रॉन डोनेशन का पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन का उसमें सी माइनस को सबसे आगे रखा गया तो अगर ये हमें खुद से ऑर्डर बनाना होता तब भी पर बन जाता बड़ी आसानी से क्योंकि कार्बन हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से पुल नहीं करेगा जितने अच्छे से नाइट्रोजन और उससे भी कहीं ज्यादा ऑक्सीजन तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात आएगी तो ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कम है वो ज़्यादा डोनेट करेगा तो C- माइनस इसीलिए ज़्यादा अच्छा डोनर है उसके बाद N- माइनस उसके बाद O- माइनस और अगर बात आई निगेटिव चार्ज और लोन पेयर में तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है वो ज़्यादा अच्छा डोनर होगा तो इसीलिए ये ऑर्डर भी सही है तो हर जगह चीज़ें प्रिडिक्टेबल है मुश्किल नहीं मानना अब वैसे ही आप देखो एन में यहां पर साइज का इफेक्ट है ये याद रखना कि साइज का इफेक्ट थोड़ा कुछ जगह पर बहुत अजीब है वैसे एनसीआर टी ने सब चीजें कुछ बताई भी नहीं है बहुत स्पेशली हाँ चुके ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पहले टच किए जा चुके हैं तो दैट इज यहां पर चार्ट में लगा दिया है अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नाइट्रोजन का लोन पर रेजोनेंस में जा रहा है और रेजोनेंस में ज्यादा जाने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पर कम अवेलेबल है और कम अवेलेबल होने की वजह से जो प्लस एम है जो डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होते चली जा रही है वैसे ठीक नीचे में भी है ओ माइनस ज्यादा इलेक्ट्रोन डेंसिटी और बाद में रेजोनेंस हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम बिकॉज कि उसके पास खुद जो निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है उसकी डेंसिटी कम हो गई है रेजोनेंस की 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 वजह से अगर बातचीत जाए तो भाई यहां पर दिखाई दे रहा है एफ सी एल बी आर आई बड़ी अजीब बात नहीं है फ्लोरीन की जो अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो तो बड़ी स्ट्रांग होती है और माइनस आई बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन प्लस एम भी स्ट्रांग होता है प्लस एम इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कौन सा पाई बॉन्ड बनाने लगता है टू पी पाई वाला जो कि तो भाई आपको दोनों तरह से समझना है और दोनों को, दोनों को को चीजों मर्ज नहीं करना है जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट वो सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है और वहां पर इलेक्ट्रॉनगेटिविटी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो फ्लोरीन वैसे तो माइनस आई बहुत अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा प्लस एम भी है और इसी वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो फ्लोरीन की क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम होती है फ्लोरीन अच्छा माइनस आई भी है अच्छा प्लस एम भी है दोनों चीजें ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर जाती है तो इसीलिए फ्लोरीन का ओवरऑल इफेक्ट अगर माइनस आई और प्लस एम दोनों को जोड़ दे तो ओवरऑल इफेक्ट क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से नीचे होता है आयोडीन के अप्रोक्स होता है ओवरऑल ये किस बेसिस पे ओवरऑल में बता रहा हूं ये ओवरऑल में बता रहा हूं माइनस आई एंड प्लस एम दोनों को जोड़ करके समझे इसकी जरूरत मीनस में नहीं पड़ने वाली यह पॉइंट ऐसा है कि बहुत एक्सक्लूसिव है यही एडवांस के लिए ही बट चलो चलते फिरते डिस्कस कर लिया इसको वैसे ही माइनस एम ग्रुप की बातचीत करें तो अगर पूछा जाए कि इनमें माइनस एम सी प्लस का क्यों सबसे ज्यादा है तो भाई इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर सीधा सीधा आपने वैकेंड ऑर्बिटल विथ पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है वैकेंड ऑर्बिटल तो बोरोन में भी है वैकेंड ऑर्बिटल तो फॉस्फोरस में भी है लेकिन कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज के साथ वैकेंड ऑर्बिटल है मतलब कि इलेक्ट्रॉन का भूखा वो कहीं ज्यादा है बाकियों से सो दैट इज इसका ज्यादा है वैसे ही, अगर NO2 की की बातचीत जाए तो वो साइनाइड से ज्यादा पावरफुल इसीलिए क्योंकि पहला ही आइटम कौन है नाइट्रोजन और अगर आप इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाएंगे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा तो एक जगह नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और एक जगह कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है नाइट्रोजन जितनी बातें मैंने अभी तक की ये मोर देन सफिशियंट हैं आपके प्लस एम माइनस एम का बेस बनाने के लिए माइनस आई प्लस आई का बेस बनाने के लिए कसम खाइए कि इतनी चीजों को रिवाइज कीजिएगा याद रखिए ये मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास समय कम है तो बहुत स्मार्ट काम करना है ये पहचानना है कि कहां से कहां तक चीजें जो है हमें पढ़नी है रिविजन ज्यादा करना है आप अपने थ्योरिटिकल कॉन्टेंट को कंसाइज कीजिए जितना कम रखेंगे उतना बेटर है ध्यान इधर उधर मत बटाइए समय कम है स्मार्ट काम कीजिए आप 150 तक पहुंच जाएंगे 98, 97 परसेंटाइल बिल्कुल आ सकता आसानी से आप थोड़ा सा और ज्यादा घिसाई करेंगे ज्यादा अच्छा करेंगे तो नाइन्टी तक भी जा सकते हैं बट रियलिस्टिकली नाइनटी तक जा ही सकते हैं तो अपने लिए इन थियोरिटिकल पोर्शन को कम रखिए बहुत बातें बताइए यकीन कीजिए ट्रस्ट रखिए इनको रिवाइज कीजिए रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के समय पर अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ा हुआ है या आपकी ये चीजें जो है कमजोर हैं तो ठीक है तो तभी मैंने तो बहुत सारी बातें कर दी ये जो आपको चार पांच पेजेस मैंने दिखाएं उसमें बहुत सारी बातें कर दी बट आपका काम है कि का आप इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा माइंड मैप थ्री पर आते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बातचीत करते हैं और ये माइंड मैप थ्री जो है वो आपको आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है उसमें बहुत हेल्प करने वाला है तो इसीलिए केयर कीजिएगा सुनिएगा ध्यान से इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बातचीत हो रही है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा दैट इज वाई मैंने लिखा हुआ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो होने वाला है प्लस एम से माइनस एम हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी जब भी आप बनाते हैं ना तो स्कूल में तो रैंडमली कुछ भी बना रहे होते हैं बट वैसे रियलिटी में हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है प्लस एम टू माइनस एम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया जाता है अब अगर बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने की तो इसी प्रोसेस से बनाएंगे खुद से पहचानेंगे कि कहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो पहचानना आसान होता है नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर जो है वो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हैं और फ्लो किधर होगा नेगेटिव चार्ज से लोन पेयर की तरफ लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ पाई बॉन्ड से वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ पीछे लिखा था ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर बाकी अभी तुम क्वेश्चन देखोगे तो उसका आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन अराउंड मैंने जो रिलेटिवली पिछले क्लास के भी और ज्यादा क्वेश्चन रखे हुए टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व करेंगे पिछले क्लास के पिछले क्लास में अराउंड फोर्टी फिफ्टी क्वेश्चन किए थे अभी फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी आपका टेस्ट योर वाला सेक्शन होगा जिसको आप खुद से सॉल्व करोगे ठीक है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो ना तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से कार्बो कटाइन फ्री रेडिकल कार्बनइन इनकी स्टेबिलिटी समझ में आती है और इनकी स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन भी हमारे पास बट उससे पहले मैं माइंड में बता दूं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुमको कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट बातें सोचनी होती है दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जिन पर के पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं तो आप ध्यान से देखना पहली चीज क्या लिखी हुई है आप जब कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का डिस्कशन करो तो न्यूट्रल ऑक्टेट का ध्यान रखना ऑक्टेट भी दो तरह के होते हैं एक ऑक्टेट होता है जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है एक ऑक्टेट होता है जो न्यूट्रल ऑक्टेट होता है अब जैसे मैंने ये बनाया हुआ है सो ये न्यूट्रल ऑक्टेट सिंबल कार्बोनाइल बनाया हुआ है और ये न्यूट्रल ऑक्टेट है लेकिन अगर ऐसा कुछ है मेरे पास देख रहे हो और इस ऑक्सीजन की तरफ से डोनेशन है और इस ऑक्सीजन की तरफ से डोनेशन होने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सारे आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है बट ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है तो दिस इज चार्ज ऑक्टेट ये न्यूट्रल ऑक्टेट है तो न्यूट्रल ऑक्टेट कहीं ज्यादा स्टेबल है चार्ज ऑक्टेट से पूरे जो ऑक्टेट वाले सेक्शन है वो बाकियों से कहीं ज्यादा स्टेबल है जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है सबसे स्टेबल होता है कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब उनके सामने ये ट्रोपालियम कटाइन को रखा जाता है तो ट्रोपालियम कटाइन सबसे स्टेबल कार्बो कटाइन का है और इसका कंपेरिजन बेंजीन से अगर करवाते हैं तो सभी जो इसको उठाने लगते हैं आंसर ग्रुप में जबकि बेंजीन न्यूट्रल है तो जितने भी न्यूट्रल है वो सब ज्यादा स्टेबल होंगे एस कंपेयर टू किसी भी चार्ज स्पेशीज के भले ये चार्ज स्पेशज में और जो कार्बोगटाइन होते हैं उनमें ये सबसे स्टेल कार्बोगटाइन है बट स्टिल जो न्यूट्रल स्पेश बराबरी नहीं कर पाएगा तो दैट इज वाई कि न्यूट्रल ऑक्टेट ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज ऑक्टेट से तो ऑक्टेट वाला पार्ट पहले रखेंगे उसमें भी दो पार्ट होंगे उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई भी पॉइंट लगाएंगे और चार्ज सेपरेशन सबसे वीक पॉइंट होता है वो सबसे लास्ट में जाएगा जब आप इसे अप्लाई करना सीख जाए अभी हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे उससे ये अच्छा कर लेंगे इस पॉइंट का एप्लीकेशन अच्छा कर लेंगे उसके बाद जो सेकेंड ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होता है वो सेकेंड ऑर्डर है कि ऑक्टेट का कंपेरिजन कई बार एरो से होता है कई बार इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का इक्ल एंड कंपेरिजन होता है तो ये सारी ही चीजें ना अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू समझ में आती है बट uh, मैं बताने की चाह रहा हूं कि देखो एरोमेटिसिटी हो सकता है कि वो चार्ज के साथ हो जैसे यहां पर आपको दिख रहा है चार्ज के साथ एरोमेटिसिटी है ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमैटिसिटी चार्ज के साथ हो सकता है लेकिन ऑक्टेट न्यूट्रल भी हो सकता है चार्ज भी हो सकता है हो सकता है जैसे यहां पर कार्बोगटाइन है और यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए जहां पर ऑक्टेट सारे आइटम्स का कंप्लीट है लेकिन उसकी उसका कंपेरिजन किसी एरोमेटिक स्पेसिस से तो जनरली आपका परसेप्शन होता है कि एरोमेटिक है ना बहुत स्टेबल होगा अरे ऐसा नहीं है अगर कोई न्यूट्रल ऑक्टेट स्पेशस दे दिया जाए वो एरोमेटिक नहीं है बट स्टिल वो उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि वो चार्ज था तो ये गड़बड़ नहीं करना समझ गए ध्यान रखिएगा ऑक्टेट रोमैटिसिटी को बीट कर सकता है अगर आपका जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर उसमें ऑक्टेट नहीं है तो देन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाई इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने वाले जो भी स्पेशज हैं काफी स्टेबल होते हैं और ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी शो करता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज सात कार्बन पर रेजोनेट कर सकता है और क्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो सकते हैं सेवन तो इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी शो करते हैं क्योंकि इसी स्पेश इस में अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो ये फर्स्ट कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थर्ड कार्बन पर आएगा फिर थर्ड कार्बन से फिफ्थ पे जाएगा फिफ्थ से सेवन पे जाएगा सेवन से सेकंड पर जाएगा सेकंड से फोर्थ पर जाएगा फोर्थ से सिक्स पर जाएगा तो ये प्रोसेस सेवन इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा सेम नहीं होते वो क्योंकि आइडेंटिटी डिफरेंट है एनर्जी सेम होती है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है तो एनर्जी तो सेम है लेकिन वो एक्चुअली सेम नहीं है इसलिए तो गलती से भी उनको सेम नहीं बोलना स्ट्रक्चर सेम नहीं होते एनर्जी सेम होती आइडेंटिटी डिफरेंट होती है अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो वो नंबरिंग जो है वो बता देगी कि हाँ यार जैसे आपने फर्स्ट पे पॉजिटिव रखा होता है थर्ड पर पॉजिटिव आएगा लेकिन वो सेम नहीं होंगे बिकॉज के आपने खुद ही नाम ही अलग कर दिया नंबर ही अलग कर दिया कार्बन का तो वो सेम नहीं हो सकते आइडेंटिटी भी सेम होना चाहिए तो ये सब जो इफेक्ट्स हैं इक्वेल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक के काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इंडक्ट इफेक्ट वगैरह आते हैं तो एप्लीकेशन पार्टी इनको स्ट्रॉन्ग करने वाला है बट स्टिल आपके लिए समेरी के रूप में मैंने यहां पर रख दिया है अब इसे अप्लाई करने की तरफ चलते हैं क्वेश्चन रखे हुए होंगे उठाते क्वेश्चन को अच्छा यहां पर एक इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे इक्वल एंड रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर वाले पॉइंट पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि इक्वेलन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के साथ क्या है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है एनर्जी का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है इलेक्ट्रॉन्स का सारे के सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में तो इक्वलेंट रेजुनेटिक स्ट्रक्चर सेम नहीं होते एनर्जी सेम होती है आइडेंटिटी डिफरेंट होती है तो कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जैसे यहाँ पर दो तीन जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन में आते हैं उनको लिखा हुआ मैंने यहाँ पर बना करके आपको दिखा भी देते हैं थोड़ा आइडिया मिल जाए आया नहीं आया जैसे हमने इस थ्री मेम्बर रिंग को उठाया और यहां पर नंबरिंग कर दी फर्स्ट सेकंड, थर्ड ध्यान रखना है जितने लोगों को तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इश्यूज आते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट है कि आप केयर करें इस बात का कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो चार्ज हमेशा अल्टरनेट पोजिशन पर मूव करता है और चार्ज और पाई बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं ये दो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर मूव करेगा तो अगर आपने मूव कराना है तो फर्स्ट से आप थर्ड पर पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाए और चार्ज और पाई बॉन्ड अपोजिट मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर आया तो पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा तो इस तरह से आपने क्या किया फर्स्ट से थर्ड पर पॉजिटिव चार्ज को सेंड कर दिया अब इसका अल्टरनेट कौन बनेगा टू तो अब आप जब रेजोनेंस करवाएंगे तो टू पर पॉजिटिव रखेंगे और इस बार जो पाई बॉन्ड है वो टू के अपोजिट जाएगा यानी कि इस साइड पहुंच जाएगा इस तरह से आपने पॉजिटिव चार्ज को फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन तीनों पर दिखा दिया राइट right? तीन इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए लेकिन सेम नहीं बने बिकॉज के हर बार जो आइडेंटिटी है फर्स्ट कार्बन की वो तो यहीं पर है लेकिन पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है तो आइडेंटिटी सेम नहीं आ रही है बट एनर्जी सेम आएगी बिकॉज के आप किसी को भी फ्लिप करके कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में ठीक वैसे ही बेंजीन के भी दो इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों सेम नहीं है और ध्यान रखेंगे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्पेशीस का अगर आपने एक से ज्यादा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया जैसे आपने बेंजीन का बनाया एक से ज्यादा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर किसी भी स्पेशस के एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके जो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है मतलब ये कि मैं किसी भी हाल में इस बेंजीन का अगर ये काम कर देता हूं बेंजीन के साथ तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं प्लस माइनस करके इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है बनाए होंगे ना कभी कई सारे लोग होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो ना प्लस माइनस करके इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने ब्रेक किया ऐसे बट इस स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं क्यों क्योंकि अगर एक से ज्यादा नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं नॉन पोलर समझ रहे हो न्यूट्रल तो एक से ज्यादा अगर नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू नहीं होती उस स्पेशस के लिए इस पर ही आप अप्लाई नहीं कर सकते ऊपर वाले पर क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारे के सारे केसेस में क्या है पोलर है लेकिन ये नॉन पोलर था न्यूट्रल था तो जितने भी न्यूट्रल स्पेश उनके लिए यह पॉइंट एप्लीकेबल है कि अगर उनका एक से ज्यादा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो फिर उसके जो पोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी डिस्कशन में आता भी नहीं है कभी आप जबरदस्ती कुछ समझने के लिए करते हैं तो ठीक है तो अदरवाइज कोई काम की चीज होती नहीं ओके okay, अब भैया आते हैं क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं कि आप प्लस एम माइनस एम वगैरह जो है वो पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं। तो यहां पर फटाफट -फड़ चेक कीजिए अपनी तरफ से बताइए आपको पहचानना है प्लस एम माइनस एम माइनस आई प्लस आई ये नेचर पहचानिए और मैं कुछ ग्रुप्स लिख रहा हूं फटाफट -फड़ पहचानते जाइए चेक करते जाइए खुद से रिकॉल कीजिए देखिए क्या क्या पॉइंट आपने प्लस माइनस के लिए पढ़े थे माइनस आई आई प्लस है के लिए पढ़े थे उनको यहां पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए ये मैंने डबल बॉन्ड लिखा हुआ है ये मैंने फ्री वैलेंसी के साथ बेंजीन बनाया हुआ वा। फ्री वैलेंसी मतलब इधर कार्बन चेन होगी और देखिए अगर आपने यहां पर पाई बॉन्ड दिखाया हुआ है या आपने लोन पेयर या निगेटिव चार्ज यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए तो आप इमेजिन कर लीजिए कि इधर sp3 sp2 सैचुरेटेड अनसेड कार्बन चेन होगी उसके अकॉर्डिंगली सोच करके बताइए कि ये बिहेव कैसे कर सकता है अगर उसको सैचुरेटेड या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हमने जोड़ा तो तो उसका nature क्या क्या आ सकता है तो ऐसे सोच करके बताइए एंड uh, यहां पर कार्बोक्सिलिक लगा देते सीओ सी एल लगा देते इधर एनओ NO लगा देते और क्या है जिसमें क्या फंस सकते हो प्लस एन वाले ग्रुप लगा देते OH इलेक्ट्रोनिक्री कार्बन से ज्यादा होती है तो ये माइनस आई हो जाएगा सेम थिंग ओ सी एस थ्री के लिए क्योंकि पहला आइटम वही है ऑक्सीजन विथ लोन पेयर तो वही प्लस एम एंड माइनस आई करेक्ट कितने लोग सही हुए दोनों आई होप सही हुए होंगे एनओ टू यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है जो लोन पेयर था वो कोऑर्डिनेटेड हो गया ऑक्सीजन को तो इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ सी एक ही चीज हो सकती है कि ये पाई बॉन्ड मूव कर सकता है और ये माइनस एम बन सकता है कोई लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम नहीं कर देना और चूंकि फर्स्ट आइटम नाइट्रोजन है जो कि एसपी थ्री कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो माइनस एम और माइनस आई इसका नेचर होगा वैसे सी यहां पर तो कार्बन आ गया जिसके लिए हमने फॉर्मुला ही नोट डाउन किया था कि माइनस एम और माइनस आई होता है तो दोनों रूप में बिहेव कर सकता है अब भाई ये वो स्पेशीज हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं ये नेताओं जैसे होते हैं डुअल कैरेक्टर होता है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आती है ना charge, ना नेगेटिव चार्ज लोन पेयर उनके हाई नहीं है तो बहुत बड़े दानी नहीं होंगे और ना ही ये बहुत बड़े दानव होंगे वैकेंट ऑर्बिटल भी इनके अंदर ऐसा नहीं है जैसे कार्बोनाइल में बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं तो इनकी कंडीशन बीच की होती है मैंने एक जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाया था ना उसमें पाई बॉन्ड वाले को बीच में रखा था निगेटिव चार्ज और लोन वाले दानी होते बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अपा, है अगर आपने यहां पर इस साइड में कोई ऐसा ग्रुप लगाया कि ये माइनस एम है तो ये बिहेव करने लगेंगे प्लस एम के ग्रुप में और अगर आपने यहां पर प्लस एम लगा दिया तो ये खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने लगेंगे और बिहेव करने लगेंगे किसके जैसा M के जैसा। यहाँ पर अगर आपने ग्रुप लगाया प्लस M, तो ये ये, ये बिहेव करने लगेगा M के जैसा। और अगर आपने यहाँ पर ग्रुप लगाया M, तो M ये, तो ये M। तो बस कहानी खत्म। ध्यान रखिएगा जो सी डबल बॉन्ड सी है या बेनजीन है या C और दैट इज वाई की माइनस आइए ठीक है so और भाई जहां पर भी कार्बोनाइल दिख गया वहां पर तो सोच रही नहीं वो माइनस एम और माइनस आई होंगे होंगे ठीक है तो आई होप दैट के कॉन्सेप्ट आपके यहां से बिल्ड हो गए होंगे दिस इज मोर देन सफिशेंट टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट अप टू मेसोमेरिक इफेक्ट तक और यही तो आपकी आपके पूरे जीओसी की जान है अगर आपको ये आता है तो हाइपर कंजुगेशन आएगा अगर ये आता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आ गई आपको क्वेश्चंस में अप्लाई कर करके देखना है बात आई एनओ की तो ये से अलग है बाकी एसपी थ्री कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो माइनस आई भी होगा राइट चकाचक एकदम क्लियर है एसओ थ्री एच सोचना ही नहीं वही माइनस एम माइनस आई जैसे कार्बोन है प्लस एनआर थ्री में बहुत कांड करते हैं चारो चारों ऑर्बिटल इसके इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हुए तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कुछ दूरदर्शी लोग होते हैं बहुत दूर तक देखते हैं उनको वैकेंट ऑर्बिटल दिख जाता है, पता नहीं कैसे दिखता है? चार के चार तो नहीं होता तो आप चूंकि यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है तो आप इसको प्लस एम नहीं बना सकते चूके कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं चार बॉन्ड है तो यह माइनस एम भी नहीं बन सकता तो आखिर बना क्या यह सिर्फ एक ही काम कर सकता है पूरी जिंदगी में माइनस आई इसके अलावा कोई काम नहीं करता ये समझे और इस चीज का यूज कहां पर होता है ये यूज होता है एलिमिनेशन एलिमिनेशन में एलिमिनेशन में रिएक्शन इस पॉइंट का यूज करते हैं तो इसे मजाक में नहीं लेना दांत तोड़ दूंगे समझे प्लस एन आर थ्री सिर्फ और सिर्फ माइनस आई है अगर कांड करोगे बातचीत खत्म बोल दे रहा हूं पहले समझ रहे हो बेशर्मो अरे बोलो ना सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो बताओ अब रेजोनेटिंग uh, स्ट्रक्चर का हल्का फुल्का एग्जाम्पल देखो फिर सॉल्विंग पर चलो आप वहीं पर चीजें आप ठीक कर पाओगे यहां पर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर को आ, जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इसमें ऑक्सीजन पर ना निगेटिव चार्ज तो यहां ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है रेजोनेंस हमेशा कहां से कहां होगा प्लस एम टू माइनस एम आपको दिखाई दिया ये प्लस एम ग्रुप ये माइनस एम ग्रुप वही प्लस आप मूव करवाओगे इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है दैट इज के एक्चुअली ये हमें मिलता है बट रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू ही हम दिमाग में ये चलाते हैं कि अच्छा ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकता है ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकता है इसका ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी बदमाशियों को देख करके मैं ये सोच सकता हूं कि अच्छा तुमने ये भी कांड किया होगा जिंदगी में और तुमने वो भी कांड किया होगा जिंदगी में क्योंकि तुम्हारी हरकत ऐसी है तो जो मुझको दिख रहा है वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो तुम्हारी हरकतें और उन हरकतों को देख करके मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूं जो हरकतें तुम्हारी वो मैंने देखी नहीं है बट मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं तुम्हारी करंट हरकतों की वजह से तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का ये हाइब्रिड है जो रियालिटी है सामने जो बेशरम जैसे जो कमेंट करके जो जाते इधर उधर तो उन सारी चीजों को देख करके हम क्या बोलते हैं ये देखो ये ऐसा बेसरम ये ऐसी हरकतें कर रहा है ये ऐसी हरकतें कर रहा है दिख रहा है क्या? तो इन हरकतों की वजह से जो हम प्रिडिक्शन predict, करते तो हैं है। क्योंकि वो भाई मैं कैसे देख लूंगा वो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं तो मैंने प्रिडिक्ट किया वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो रियलिटी है वो हाइब्रिड ठीक है तभी तुम सुनते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रियल नहीं होते अरे रियल होते हम देख नहीं पाते तो हम बोल देते कि कि हाइपोथेटिकल है हाइपोथेसिस का मतलब यही अभी पता नहीं है हाइपोथेटिकल का मतलब ये कि 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 पता नहीं है कि वो है नहीं है 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 वो लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसे कांड होते होंगे अच्छा यहां पर कॉन्जुगेशन के कुछ टाइप्स है देखो कॉन्जुगेशन की बात से जब आती है तो तुम क्या सोचते हो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है पाई अल्टरनेट टू पाई पाई अल्टरनेट टू पाई 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 करते रहते हो तुम लेकिन एक्चुअली कंजुगेशन का मतलब होता है पैरल एंड कंटिन्यूस पीजर एटमिक ऑर्बिटल्स तो पैरल एंड कंटिन्यूस पीजर एटमिक ऑर्बिटल्स तुम कैसे पहचानते हो बड़ा आसान है देखो पहचानना यार चाहे तुमको कार्बो के टाइम दिए जाए चाहे तुमको निगेटिव चार्ज दिया जाए चाहे तुमको कोई लोन पेयर वाला स्पेश दिया जाए हर केस में ना तुम्हें बस ये देखना होता है कि क्या तुम अटैच्ड एटम्स के जो सीक्वेंस है जो एटम्स लगे हुए हैं उन आइटम्स का हाइब्रिडाइजेशन तुम sp या एसपी टू पा रहे हो या नहीं कोई SP3 नहीं आना चाहिए क्योंकि SP3 में क्या होता है? PZ हमारे चलने के लिए रास्ता होता है ऐसे तो कहीं नहीं चलने लगते ना हम कि कहीं भी चल दो ठीक है, कहीं भी चल लेते हो बट यूजुअली एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमें भी रास्ता चाहिए होता है गाड़ी चला के जाने के लिए या चलने के लिए भी करेक्ट ऐसे नहीं कहीं चलने लगते हैं कि कहीं भी कूद गए खाई में कूद गए पहाड़ पे चलने लगे नाली में कूद गए कहीं पर भी ऐसे नहीं चलने लगते तो वैसे इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए भी न, चाहिए होता है, तो फ्री कब जब हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा एसपी हो या तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो सो पीजेड एटमिक ऑर्बिटल बचा हुआ रहे तो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज कब बचेगा जब हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो जहां से जहां तक sp2 है ऑर्बिटल बचा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है वो तो हम उसे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रेजोनेंस करवाने के लिए तो बेसिकली कॉन्जुगेशन का मतलब होता है पैरल एंड कंटिन्यूस एटमिक ऑर्बिटल तो एटमिक ऑर्बिटल यहां पर भी है यहां पर भी एटमिक ऑर्बिटल है यहां पर भी एटमिक ऑर्बिटल है वैसे यहां पर भी यहां पर भी क्योंकि हाइब्रेशन sp2 sp2 है और जितने भी ऐसे स्पेशीज जिनके पास निगेटिव चार्ज या लोन पेयर है और वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है ये KFC है है ध्यान रखना जितने भी लोन पेयर या चार्ज वाले है, जो कि पाई बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं ऐसे सारे स्पेशीज खुद भी sp2 टू हाइब्रिडाइज होते हैं जिन लोगों को ये बात नहीं पता होती है वो कांड करते हैं बड़े बड़े क्या कांड करते हैं जैसे क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेने लगते हैं बोलते हैं कि सर ये है ना सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर तो तीन लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ना चार तो ये जो चारों मिल करके हमें चार हाइब्रिडाइज एटमिक ऑर्बिटल की बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए चार हाइब्रिडाइज एटमिक ऑर्बिटल का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 लेकिन वो भूल गए कि इंसानों के जैसे नहीं सोचना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में सोचना है जो कि अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी पर रखते हैं

वैसे ही इस नेगेटिव चार्ज वाले का इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब होता है तीन बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा और जैसे ही आपने लोन पेयर को किसके बाजू में रखा पाई बॉन्ड के तो वो भी रेजोनेंस में जाएगा तो यहां से यहां तक भी इसका भी हाइब्रेडन sp2 टू यह भी SP2 और ये भी इसका भी sp2 है सारे एसपी टू हाइब्रिडाइज है पैरल एंड कंटिन्यूस पीजर ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो जुगेशन प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन लिए मूव करने के लिए रास्ता प्रेजेंट है और कॉन्जुगेशन होगा डीलोकलाइजेशन होगा यही तो जब कभी भी तुमसे कहा जाए कि बताओ कॉन्जुगेशन क्या है तो ये नहीं बोलने लगना पा पा पाई 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 अल्टरनेट टू पाई पाई अल्टरनेट टू पाई भाई ये सब स्कूल वाले बच्चे करते हैं जब पहली बार जिंदगी में पढ़ते हैं वो तो कॉन्जुगेशन तो ये भी है जब तुम्हारे सी डबल बॉन्डसी के साथ कोई लोन पेयर वाला आइटम रखा गया कोई जरूरी नहीं कि लोन पेयर वाला आइटम क्लोरीन होगा ओ OH एच भी तो हो सकता है सी डबल बॉन्ड सी के साथ कोई नेगेटिव हो सकता है जरूरी नहीं कि माइनस भी हो सकता है भी हो सकता है ये भी एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है और इसीलिए यहां से यहां तक कंजुगेशन है समझे तो कभी भी वो ट्रिपल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो उनके साथ कोई लोन पेयर वाला आइटम हो निगे चार्ज वाला स्पेशीज हो वो भी एसपी टू हाइब्रिडाइज होते हैं और इसीलिए कॉन्जुगेशन वहां भी एग्जिस्ट कर रहा होता है बाकी वैकेंट ऑर्बिटल में तो एसपी टू होता ही होता है तो इसीलिए ये जो कॉन्जुगेशन के टाइप से इनका ध्यान रखना और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भी बिहेव करते हैं वैसे ही निगेटिव चार्ज के रूप में ही बिहेव करते हैं राइट तो अब चले सॉल्विंग स्टार्ट करें शुरू कर रहे भैया आग लगाते हैं तैयार सर लोग तैयार है चलिए शुरू करते भैया टाइन स्टेब्लाइज्ड कार्बोकेटाइन वही होंगे जो कॉन्जुगेशन में होंगे तो हमें एक तरह से कॉन्जुगेशन ही सर्च करना है जरा देखिए तो क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है देखिये सारे एसपी टू एसपी टू एसपी टू एसपी टू बीच में कोई भी एसपी थ्री नहीं आया ये भी एसपी टू है तो दैट मीन्स कॉन्जुगेशन है और रेजेडेंस स्टेब्लाइज्ड कार्बोकेटाइन है ये राइट अब आप लगाएंगे शैतानी दिमाग बोलेंगे ए ए ए तो आंसर है अब मैं चला ए के साथ ना ऑप्शन देखने के लिए देखिए ऑप्शन अगर है तो इस एटीट्यूड में कोई भी बुराई नहीं है दैट मीन कि आप कहीं पर भी बस यही काम करने लगे थोड़ी समझदारी रखनी है और अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो थोड़ा समझदारी से चलते यहां पर भी एसपी के साथ कार्बोकेटाइन है बट यहां पर एसपी के साथ यहां पर एसपी आ गया तो एसपी वाले ने सारा खेल खराब कर दिया रेजिडेंस को खराब कर दिया तो सी को बाहर कर दीजिए सी वाला ऑप्शन हटा दीजिए सी वाला ऑप्शन हटा दीजिए इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है डी पर फोकस कीजिए तो डी पर क्या दिखाई दे रहा है डी पर दिखाई दे रहा है कि ये वाला एसपी टू था एसपी थ्री है फिर एसपी टू है तो यह कार्बोकेट खुद ही जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बोकेट रेजोनेंस में नहीं जाने वाला क्योंकि पीजे ऑर्बिटल मुझको चाहिए पैरेलल एंड कंटिन्यूस तो यह पैरेलल एंड कंटिन्यूस नहीं होता यह विनाइलिक कार्बोकटैन ये तो और दुखी होता है बहुत दुखी होता है क्यों बहुत दुखी होता है क्योंकि भाई ये ऑलरेडी sp2 कार्बन है sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एक अनस्टेबल कंडीशन है एस कंपेयर टू किसी भी sp3 कार्बन के और इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि इस पॉजिटिव चार्ज को जो दुख है उस दुख को किसी और के साथ शेयर कर सके समझे तो इस दुख को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता जैसे कि ये शेयर कर सकता है ट पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज को भेज सकता के PZ, PZ, PZ हर है तो ये चीज विनाइलिक कार्बो के साथ नहीं होती इस पोजिशन को हम क्या बोलते हैं डन इस है? right? तो इसीलिए सी को हटा दीजिए और बाकी आप डी को भी हटा दीजिए बिकॉज के डी के भी किस्मत में ऐसा नहीं दिख रहा है राइट right? तो चलिए यहां तो ये यह क्लियर है जकास सॉल्यूशन वगैरह भी एकदम चमका करके लिख दिया आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको तंग करने के लिए बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन डाले जान बुझ करके अभी जो आप सॉल्विंग कर रहे हैं मेरे साथ साथ उसमें आपको क्वेश्चन मैंने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी वाले डाले हुए हैं चांसेस है कि आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन इस साल दिखाई देंगे बिकॉज अगर मैं पिछले दो साल की बात करूं दो हजार की तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम दिखाई दिए हैं और थोड़ा आपको प्रिपेयर रहना चाहिए वो टच कर सकते हैं और है तो वही जीओसी वाले और वही लेवल है कुछ खास ऐसा नहीं है एडवांस लेवल है तो शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड चाहिए देखिए शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड कैसे आएगा यहां पर अगर मैं ऐसे बातचीत करूं तो सिंपली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को मैं एसबीसी लिखूंगा अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो वो रेजोनेंस की वजह से आएगा और रेजोनेंस की वजह से ऐसे आएगा अगर एसपी टू एसपी टू एसपी टू पता ना पीजेराटमिकल एंड कंटिन्यूस अगर इनका अरेंजमेंट है तो रेजोनेंस होगा रेजोनेंस होगा तो फिर यहां पर रेजोनेंस की डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा आप देखेंगे तो यहां पर एसपी थ्री कार्बन है तो यहां तो रेजोनेंस है ही नहीं यहां है राइट तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है यहां पर तो एसपी थ्री एसपी थ्री एसपी थ्री एसपी थ्री तो बस सोचना ही नहीं क्या फोड़ा है आंसर ठीक है भैया ए ऑप्शन दिख रहा है सही कौन दिक्कत नहीं एक बार चकाचक जल्दी बता दो चैट बॉक्स में कोई दिक्कत हो नहीं एकदम जबरदस्त झकास तो अब अगले क्वेश्चन में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डांसिंग रेजोनेंस के साथ और डांसिंग रेजोनेंस में जो पहला स्पेशियस जो हम पढ़ते हैं वो है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो के ही बड़े भैया हैं सबसे बड़े भैया हैं ये इनसे जो बड़े भैया होते हैं वो ये होते हैं और इनके भी जो बड़े भैया होते हैं वो होते हैं ये अब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल यहां साइकिल कार्बन के पास क्या है दो हाइड्रोजन है यहां पर कार्बन के साथ क्या एक है एक हाइड्रोजन है यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इस डांसिंग रेजोनेंस को हम लोगों ने इतना फेमस क्यों किया हुआ है रीजन कि ये एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है जहां पर के थ्री मेंबर रिंग के पास जो पता है एंगल स्ट्रेन हाई होने की वजह से अंदर में तूफान चल रहा होता है इसके कि भाई साहब मेरे को विस्फोट करना है मैं बहुत अनस्टेबल हूं और मेरे अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है तो वो जो थर्मोडाइनेमिक अनस्टेबल कंडीशन है वो इस सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड के जैसा बिहेव करवाती है तो एक्चुअली वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं अगर आपने बाहर में पॉजिटिव चार्ज रख दिया जब तक आपने ऐसे रखा हुआ है तब तक सब ठीक है ऐसा रखा हुआ है तो लेकिन जैसे ही बाहर में पॉजिटिव चार्ज डाला अब उसका बिहेवियर पाई बॉन्ड के जैसा हो जाता है तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर अपने आप को ब्रेक करके ऐसे चेंज करता है देख रहे हैं? ये ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई के जैसा बिहेव करके यहां चलाता है और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजिशन पर चला जाता है ठीक वैसे ही यहां से यहां भी बॉन्ड टूट जाता है तो ऐसे भी बन सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक और बन सकता है जहां पर के आप ऐसा दिखा सकते हैं देख रहे और इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा तो दोनों इक्वल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है डांसिंग रेजोनेंस बोलने का पर्पस ये होता है आपको ऐसे दिखाना कि मान लो कि ये ये देख रहे हो आप ऐसे मैंने बनाया और बाइसेप्स दिख रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहे दिख रहा है हाँ ट्राइसेप्स भी दिख रहा है बहुत बढ़िया तो मैं बताना ये चार चारों यार थोड़ा कैमरा को नीचे करो चलो मैं अपनी हाइट बढ़ा लेता हूं तो ऐसा कर लिया कुछ थ्री मेंबर ड्रिंग बनाई और थ्री मेंबर ड्रिंग को ऐसे इमेजिन किया ठीक है

बट वैसे डांसिंग वाले पार्ट को हटाइए एक्चुअल पर अगर आइए तो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से और पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है है अब अगर अकेला एक थ्री मेंबर रिंग तो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे जैसे ही आप दो रिंग पर गए तो चार इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगा तीन पर जाएंगे तो सबसे बड़े वाले जो भैया हैं वो कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे छह दिखा तो भैया स्ट्रक्चर यहां पर लेकिन भाई सिक्स इक्वल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से वो इससे कैसे ज्यादा स्टेबल हो गया बेबीम से इसलिए क्योंकि भाई साहब यहां पर ना देखिए ये तो जो था था सो लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम से इसने अपने आप को उस सिचुएशन से जहां पर कि इसका दम घुट रहा था जहां पर के सांसें इसकी अटक रही थी वहां से इसने अपने आप को बचाया अपने थ्री मेंबर रिंग को तोड़ करके तो ये स्पेशीज बहुत ही वर्स्ट कंडीशन से उठ करके खुद को स्टेबलाइज करता है तो एनर्जी डिफरेंस यहां पर काफी बड़ा आएगा रेजोनेंस से यहां पर कम आएगा इस स्पेशीज की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट क्लोज होती है इसके कई सारे केसेस में लोग ट्रोपालियम आयन को इसे ज्यादा स्टेबल बनाते हैं कुछ लोग इसे ज्यादा बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिसर्च शो करती है वो ये के दोनों आसपास है ई मेन एडवांस इस पॉइंट को टच नहीं करने वाले टच करने वाले हैं तो भैया उनको फिर जो है बोनस मार्क्स देने वाले देना पड़ेगा उन्होंने कांड किया ही वैसे तो बोलने ही नहीं जय मेन ने भी कांड किया हुआ एडवांस ने भी कांड किए हुए गलत आंसर देने के क्या ही बोले बट ऐसा उनको करना नहीं चाहिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन उठाया है और एक स्पेशज उठाया है एस्टर जिसमें कि रेजोनेंस के बेसिस पर आपको बताना है बॉन्ड लेंथ तो इस स्पेसिज को मैं और क्लैरिटी के साथ यहां पर बना दू दिख रहा होगा दिखा रेजेंस करवाइए लेंस ए एंड बी ओके तो यहां पर ए है और यहां पर बी है बी के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ए के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो आंसर तो आप साफ साफ निकाल ही सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर

भैया जिन्होंने बी के अलावा कोई और आंसर किया खुद से दांत तोड़ ले अपना मैं तो आ नहीं सकता खुद से दांत तोड़ दो तुम बेचराम सब मैंने लिख दिया सिंगल बॉन कैरेक्टर डबल बॉन कैरेक्टर फिर भी कांड करना है ओके एक और हलवा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में चार्ज सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन इसीलिए रखा है क्योंकि इससे आपको चार्ज सेपरेशन का पॉइंट समझ में आए आप देख रहे होंगे चार्ज अननेसेसरी प्रोड्यूस किया गया यहां पर ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर था जो न्यूट्रल है वो सबसे स्टेबल होगा फिर जितना चार्ज आप कम रखेंगे ना उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बिकॉज चार्ज और साइज दो दुख होते हैं पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास सारे मॉलिक्यूल के पास चार्ज और साइज दो तरह के दुख होते हैं सबसे कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो, और तो और चार्ज और साइज तो सबसे ज्यादा होंगे चार्ज और साइज सबसे ज्यादा चार्ज और साइज जो है वो सबसे बड़े दुख होते हैं

प्लस और माइनस के अब आपने बीच में पाई बॉन्ड है तो आप कंपेयर कर सकते हैं जहां पर चार्ज कम है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं तो दैट मीनस इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस एज कंपेयर टू किसके एज कंपेयर टू जहां पर चार्ज ज्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन एक बात है यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर दूर दिखाई दे रहे हैं दैट मींस के अट्रैक्टिव फोर्सेस यहां पर कमजोर है अब आप कंपेयर कर लीजिए फटाफट आंसर तो मैंने बता दिया आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट देन सेकेंड देन फाइव बास इतना करते ही आंसर आपका आ गया राइट बिल्कुल सही बढ़ते आगे फॉलिंग इज द लीस्ट स्टेबल यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया ऐसा कि आपको थोड़ी मेहनत पड़ेगी तो चलिए थोड़ी मेहनत कीजिए यहां पर तक हम थोड़ा ए ऑन कर ले दा 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 दा।

इस नाइट्रोजन का ना रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, ऐसा बना है।, डाउट नहीं है।, इस पर है। और बाजू में यहाँ पर पाई अगर आप बाकी दोनों स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा रेजोनेंस है या नहीं है कार्बन के साथ देखेंगे, और अगर नहीं है मैसुमेरिक इफेक्ट नहीं है तो फिर किस पर जाएंगे फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट पर जाएंगे माइनस आई प्लस आई चेक करेंगे और आंसर निकाल देंगे राइट सी के पांच बॉन्ड अच्छा सी के पांच बॉन्ड ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है सी के पांच बॉन्ड है देख लेता हूं मैं सी के पांच बॉन्ड कहां पर लगा दिए अच्छा हाँ यहां पर लगा दिए इस वाले केस में तो ठीक क्या होगा इसको देख लेते हैं नाइट्रोजन होल्स नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोटीट्स टू इज लो कांड कर दिया तुम्हारे तो लिए तो काम ही आसान कर दिया वाह वहां <laughs> जितने पे पांच पॉइंट देखा होगा तो सीधे थर्ड मार करके ऐश कर रहे होंगे पांच पॉइंट ये तो हो गई नहीं हटाओ हो अरे कुछ एरर कर दिया <laughs> मैंने भी देखा नहीं है ठीक कर लेते हैं इसको वैसे देख करके मुझे लग रहा है कि निगेटिव जो पाई बॉन्ड है उसे पाई बॉन्ड को ना उठा करके यहाँ पर करना चाहिए अगर यहाँ पर करना चाहिए तो अगर देखा जाए तो बेसिकली स्ट्रक्चर को ऐसे चलना चाहिए था जो माइनस आई इफेक्ट है वो स्टेबिलाईज करता है आयन को सी माइनस को <laughs> देखो ना कुछ लोग <laughs> <बेश रहा> <laughs> लो तो ठीक कर देते हैं। <laughs> देखो पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इसके पॉजिटिव चार्ज को कौन कम करेगा राइट तो कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो प्लस आई हो या प्लस एम हो इनवर्सिपोट हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप के और हर वो बात जो कि कार्बोडाइन को स्टेबलाइज करती है वो को डिस्टेबलाइज करेगी तो अगर मुझे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए मुझे उल्टा इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप चाहिए यानी कि माइनस आई माइनस एम इलेक्ट्रॉन विद राइट और ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाओगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ओके okay, तो यहां पर ये जो माइनस आई वाला पार्ट है ये एक्चुअली दूर है दैट इज आई कि यहां पर आ, जो स्टेबिलिटी है वो सेकंड वाले में कम होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर को मैं ठीक कर दे रहा हूँ जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पर नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड को वैसे ही रखिए नेगेटिव चार्ज यहां पर रखिए ऐसा कुछ होना चाहिए सो दैट के जो माइनस आई पार्ट है वो क्लोज टू आ जाए नेगेटिव चार्ज के जब दूर रहेगा तो इफेक्ट कम पड़ेगा और इफेक्ट कम होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी समझे ना <laughs> आ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलने वाली है यहां से हम इस क्वेश्चन के थ्रू हम टच करने वाले ब्रेड्स रूल को तो कितने लो, लोग हैं जो कि जानते हैं ब्रेड्स रूल क्या होता है ब्रिज हेड स्ट्रक्चर के लिए ब्रेड्स रूल लगाते हैं हम और ये कहते हैं कि जितने भी ब्रिज हेड स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर एसपी कार्बन अलाउड नहीं होते राइट तो ब्रिज हेड पर ब्रिज हेड पर sp2 टू कार्बन अलाउड नहीं होता जे मेन के लिए तो इतनी बातें हम करते हैं जे एडवांस के लिए इसमें रिंग का जो साइज होता है वो भी मैटर करता है बट अभी उसकी तरफ जाएंगे नहीं क्योंकि पॉइंट नहीं बनता है कि उसमें जाकर के टाइम लगाए तो ब्रिज हेड पर sp2 टू कार्बन अलाउड नहीं होता ये बेसिक सी चीज है ठीक है लेकिन अब गड़बड़ क्या होता है आप इसको सॉल्व कीजिए तो मैं बताता हूं

दिया गया है भाई ब्रिजेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहां ब्रिजेड कार्बन पर पॉजिटिव नहीं है तो तुम फटाफट थर्ड को उठाने वाले हो गए राइट right? और डी फॉर डेली जैसा कि दिखाई दे रहा है लोग मार रहे हैं अच्छा डी फॉर डेली मार रहे हो अरे यार बट थर्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है बी फॉर आई बॉम्बे नहीं है डी मारे जा रहे डी मारे जा रहे चलिए लीजिए कॉन्सेप्ट चेक कीजिए देखिए कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए यार ये तो गड़बड़ बात है थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए बिकॉज कि ब्रिज हेड नहीं है राइट अब ब्रिज हेड नहीं है यह बात आपने बहुत सही कही लेकिन यह भी ब्रिज हेड नहीं है अब बज गई आपकी बैंड भाई यह कैसे नहीं है यह तो बिल्कुल वहीं पर रखा हुआ है जहां पर ब्रिज है देखिए ब्रिज हेड होने के लिए ना जो कंडीशन है वो आपको ढंग से पता ही नहीं होती ब्रिज हेड होने के लिए एवरी ब्रिज तीन ब्रिजेस होते हैं ना जैसे कि ये है हमारा इस साइड से एक ब्रिज है ये दूसरा ब्रिज है ये तीसरा ब्रिज है जो इन दोनों कार्बन को कनेक्ट कर रहा है राइट एवरी ब्रिज मस्ट हैव एटलीस्ट वन कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन कार्बन और एटलीस्ट एक कार्बन होगा तब बात बनेगी नहीं है तो ब्रिज सुन नहीं लगेगा इसमें और चुपचाप हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे अल्फा अल्फाइड्रोजन दो हाइड्रोजन अल्फा एक अल्फा हाइड्रोजन दो यानी कि पांच अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर और यहां पर चार अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं भाई के एडजेसेंट में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है उस कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो हाइपर कंजुगेशन देते हैं कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं भी जाने के हाइपर कंजुगेशन क्या होता है एग्जैक्टली वो सिर्फ इतना देख ले कि कार्बो कार्बोगटाइन है फ्री रेडिकल है या अल्किन सी डबल बॉन्ड सी तो उसके एडजस्ट में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी तो दैट इज के सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है एंड फर्स्ट सबसे लीस्ट स्टेबल बिकॉज के वहां पर ब्रिजेड कार्बन है AgNO3 का रिएक्शन अगर करवाया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन किस पॉइंट पर आते ए जी थ्री से Ag+ प्लस मिलने वाला है और सामने आपने जो भी एल्काइल उससे बी आर निकलने वाला है बी आर ज्यादा आसानी से निकलेगा बी आर जब भी निकलेगा ब्रोमीन तो वो तो बी आर माइनस के फॉर्म में निकलेगा कार्बोकेटाइन बनाएगा तो कार्बोगेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा ये रिएक्शन सपोर्टेड होगा तो है तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है विच फॉलिंग प्रोड्यूज ऐसे क्वेश्चन का मतलब होता है कि कौन सबसे आसानी से प्रोड्यूस करेगा रिएक्शन सबसे ज्यादा सपोर्टेड समझे लीजिए रिएक्शन सबसे ज्यादा सपोर्टेड अगर रिएक्शन सबसे ज्यादा सपोर्टेड है तो सबसे स्टेबल कार्बोडाइन चेक कीजिए सबसे स्टेबल कार्बोडाइन कौन सा है यहां पर विथ अल्फाइड्रोजन है और यहां पर ट्रोपालियम है यहाँ पर बेंजिन यानी कि सी डबल बॉन्ड सी पर पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है इसे तो छोड़ दीजिए सबसे गंदा यहाँ पर भी वही चीज हो रही है C double bond C पर ही आपको पता है एजीबीआर का बढ़ना सबसे ज्यादा इजी होगा सबने ठोक दिया निकाल दिया आंसर एकदम खुशी एकदम पागल हो रहे लोग हाइपर कंजुगेशन को देख लेते हैं जितने लोगों का कमजोर है वो थोड़ा फोकस कीजिएगा ध्यान दीजिएगा हाइपर कंजुकेशन हमारे सिलेबस में सीडबल सी में कार्बोगटाइन में और फ्री रेडिकल में दिखाई देता है मैंने सारे केसेस में अल्फा कार्बन बनाए अल्फा के बाद वाला बीटा होगा बीटा के बाद वाला गामा होगा आपको फोकस करना अल्फा कार्बन पर और इस अल्फा कार्बन की तरफ से इस अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का रेजोनेंस कहलाता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ही ये रेजोनेंस है एक्चुअली देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में नेचर क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन के छोटे साइज की वजह से यहां पर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में और इन हाई वाइब्रेशंस की वजह से ये बॉन्ड एनी टाइम इस रूप में टूट जाता है अगर बाजू में कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जैसे यहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब पीजे ऑर्बिटल पीजे ऑर्बिटल पीजे ऑर्बिटल

वहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के वाइब्रेशंस की वजह से वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन की की वजह वजह से से जो C बनेगा वो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा और उसके होने की से, आपको हर बार जब भी आपको अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा दिखाई देंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी बिकॉज रेजोनेंस ज्यादा होगा डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा जिससे अल्किन को स्टेबिलिटी मिलेगी जिससे को स्टेबिलिटी मिलेगी जिससे फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी मिलेगी तो करना आपको बस इतना है कि अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर रेजोनेंस ज्यादा ये रेजोनेंस बहुत स्पेशल रेजोनेंस है ये kind of काइंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस है बट एक्जैक्टली सिग्मा बॉन्ड भी नहीं होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस वाइब्रेशन के नेचर की वजह से सिग्मा बॉन्ड के रूप में नहीं लेते हैं तो जब कभी भी आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है किसकी अलकीन की तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिए इसी पॉइंट को जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन है इसको पलट करके बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के रूप में भी पूछा जा सकता है जैसे सपोज दैट मैंने आपसे पूछा कि चेक कीजिए यहां पर इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है एक्स और इसको कंपेयर करना है दूसरे से यहां पर इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वाई और इसी तरह से एक और है जहां पर कि अल्किन है और उसके बाजू में हमने दो मिथाइल लगा दी है तो बॉन्ड एनर्जी एक्स बॉन्ड एनर्जी वाई और बॉन्ड एनर्जी जेड कंपेयर करना है आपको अलिन की बातचीत आ गई कार्बोटाइन की बातचीत आ गई फिर की बातचीत आ गई जैसे इनकी बातचीत आ जाए फटाफट ये समझ लिया कीजिए कि भैया मुझको अब हाइपर मुझकोजुकेशन पर ही काम करना है सोच रहे नहीं आगे मुझकोरेशन तो। तो कैसे सोचेंगे भाई अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे दो अल्फा हाइड्रोजन दो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर चार अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही आपने मिथाइल लगा दिया वैसे ही देखिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए एक यहां पर दो तो टोटल तीन अल्फा हाइड्रोजन आ गए और यहां पर वैसे कम होकर के अल्फा हाइड्रोजन दो आएंगे कितने लोगों ने गलत काउंट किया सही काउंट किया तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से इसका डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा वो निगेटिव चार्ज इसे डीलोकलाइज करवाएगा समझे तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन से जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस इन सी डबल बॉन्ड सी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो अगर मैं बातचीत करूं तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लगातार कम हो रहा है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहा है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीजिंग दिख रहा है सॉरी ओहो ओह गलत लिख दिया ना सी डबल बॉन्ड सी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज करता है ना हाइपर कंजुगेशन की वजह से तो अगर मैं बातचीत करूं तो एग्जैक्टली exactly मुझको ये लिखना चाहिए जितना ज्यादा होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है बॉन्ड की लेंथ उतनी कम होती है राइट तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहां से यहां चले तो अल्फाइड हो रहा है कम हो रहा है, राइट हाइड्रोजन कम होने की वजह से हाइपर कंजुगेशन कम होगा हाइपर कंजुगेशन कम कम होने की वजह से होगा, और डीलोकलाइजेशन कम होने की वजह से जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना वो ज्यादा होगा समझे तो ये जो डबल बॉन्ड था वो ज्यादा डिलोकलाइजेशन में था क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन है तो ये अपनी जगह पर कम था और ये ज़्यादा हो रहा था ज्यादा डीलोकलाइज होने की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां पर है। तो बेटर अच्छा कि मैं को उड़ा दूं और ऐसे लिख दूं भाई तो हाइड्रोजन ज्यादा डिलोकलाइजेशन ज्यादा इस डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड के रूप में ज्यादा पाओगे तो हाइड्रोजन ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होने के की वजह से जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है बॉन्ड की एनर्जी जो है वो कम हो रही है बॉन्ड की लेंथ जो है वो बढ़ रही है ये पॉइंट ऐसे सोचना है एनी टाइम जब हाइपर कंजुगेशन और बॉन्ड लेंथ को जोड़ते हैं या बॉन्ड एनर्जी को जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ना है इसीलिए बॉन्ड एनर्जी का अगर डिस्कशन करें तो एक्स गर्धन वाई गर्धन जेड आएगा समझ गए ये चेक कीजिए जरा फॉलिंग सिग्मा पार्टिसिपेट इन हाइपर गेंजुकेशन आ ये तो हलवा क्वेश्चन निकला कौन सा सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइपर गेंजुकेशन में जाएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ चेक करना आपको कि कौन सा अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन है तो इस सी डबल बॉन्ड सी के साथ दिख रहा है ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है घेर दिया आपने ये नहीं है इसके बाद सी डबल बॉन्ड बॉन्ची के साथ इस कार्बन पर जाए तो सही है ये भी अल्फा है राइट चेक कर लीजिए तो कौन कौन सा फाइव तो दिखाई दे रहा है एंड वन भी दिखाई दे रहा है वन और फाइव का को कोई कॉम्बिनेशन है है कौन सा भोजपुरी वाह क्या बात है दिल खुश कर दिया किसी ने बी फॉर भोजपुरी लिख करके बेचर बीफ फॉर आई टी बॉम्बे लिख ले मतलब ठीक है भोजपुरी भी है अपनी लैंग्वेज है लेकिन आई टी बॉम्बे लिख ले भाई थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी

चेक कीजिए अल्किन की स्टेबिलिटी सब हाइपर कंजुगेशन पे चल रहे हैं हम लोग और फिर अब इसके जस्ट जस्ट बाद हम रोमैटिसिटी को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तो फिर बल्ले बल्ले फिर तो रेजनरेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह से रिलेटेड और भी डिस्कशंस करेंगे फिर एसिडिटी बेसिडी पे चले जाएंगे आइए थोड़ी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अल्किस क्या करना है अल्किन्स की स्टेबिलिटी की बातचीत कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे ना चेक कीजिए बताइए अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले में कितने आ रहे दो और एक तीन सही है सेकंड करें दो चार सॉरी सात तीन दो पांच दो सात राइट थर्ड वाले में फोर दिखाई दे रहा है कॉपी कर लो मेरा तो तुम लोग बस मेरे कॉपी करके आंसर ठोक दिया सेकंड सबसे ज्यादा कोई और ऑप्शन नहीं है सेकंड वाला वाह वाह क्या बात क्या बात तुम्हारी तो है ना? आ, देख रहा हूं मैं इन द फॉलोइंग दॉलोइंग कार्बोगेटा दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज ओके भाई यहां पर माइग्रेशन की बातचीत की गई ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है जेई मेन में सो दैट इज इस क्वेश्चन को रखा है देखिएगा यहां पर ऑलरेडी कार्बो कैटायन है और उसके बाजू में सी एच थ्री लगावा है तो काइंड kind ऑफ of ये कार्बो कैटायन रीअरेंजमेंट से रिलेटेड है जहां पर क्या आपको पता है कि अल्फा कार्बन से माइग्रेशन होता है तो अल्फा कार्बन से माइग्रेशन अल्फा कार्बन से माइग्रेशन जो चेक कीजिए अल्फा कार्बन से माइग्रेशन कहां पर हो सकता है कहां पर नहीं हो सकता है कौन से कार्बन को या कौन से हाइड्रोजन को माइग्रेट कराए सो दैट के ज्यादा स्टेबल कार्बो के बने अब जब कभी भी आपको ना कार्बोगन के, के बाजू में ना कोई लोन पेयर वाला आइटम दिखाई देने लगे अल्फा पोजिशन पर तो सबसे पहले उसी पर निशाना साधा कीजिए अगर किसी भी तरह से कार्बोगटाइन यहां बन गया ना तो बड़े फायदे हैं कैसे फायदा है इस कार्बोटाइन के, के बाजू में इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस ऑक्सीजन की तरफ से बैक बॉन्डिंग होनी है और यह बैक बॉन्डिंग जो इसे ऑक्टेट दे देगी ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा और इस ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से इस ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से इस स्टेबिलिटी इस कार्बो के टाइम की सबसे ज्यादा हो जाएगी तो अब चेक कीजिए बताइए क्या ये होने वाला है क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी है आहा। आहा। ये शरम मेरा देख देख करके छाप दो बस देखो सी प्लस जो दिखाई दे रहा है थर्ड कार्बन वाला

थ्री या फाइव करता तो दांत तोड़ देने मार करके ना थ्री वाला हो सकता है क्योंकि वही है क्या उसी पे तो ही है और adjacent, तो मिला आखरी घर से जा करके कुछ लेकर आए तो वहां से नहीं होता एडजस्टेंट से होता है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कराई पॉजिटिव चार्ज आ गया बॉन्डिंग हो जाएगी यहां से ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा राइट चलिए यह क्वेश्चन ऑलरेडी एडवांस में पूछा गया है

ब्यूटाइल में कार्बन होंगे ऐसा हाइड्रोजन होगा तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कार्बोगटाइन पे वैकेंट पी ऑर्बिटल तो ये तो सिग्मा दिख रहा है ना और ये पी दिख रहा है ना इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डोनेशन यहां होता है अब सिग्मा से पी कार्बोगेटाइन की बातचीत और टर्चरी ब्यूटाइल की तो मुझको सिग्मा से पी तो एम्प्टी दिखाई देना चाहिए तो सिग्मा से पी एम टीपी में ना कार्बो है, तो पी में जाएगा ना कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऐसा देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है कौन सा हाँ बस मार दो ए मैंने लिखा नहीं कि आंसर मार दो बेशरम खुद से भी बना लिया करो क्लियर है दिक्कत नहीं ये ऑप्शन आसान था ना देखो तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि जी एडवांस का क्वेश्चन है आधे लोगों की तो आत्मा वहीं पर जो है वो सांस अटक गई एडवांस का क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा सच्ची बाप रे नहीं होगा उसके बाद फिर तो क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन पढ़ा।, पढ़ा तो लिखा हुआ है सिग्मा पी एम टी एंड सिग्मा से पाई स्टार बाप रे तो सच में बहुत टफ लग रहा है अरे बेशरम चल देख सिग्मा से पी एम टी ये तो मैंने दिखा दिया अगर तुझको पाई स्टार वाले पे डर लग रहा है तो टू ब्यूटीन देख ले स्ट्रक्चर क्या टू ब्यूटीन का ये है ये ना टू ब्यूटीन मैंने ट्रांस बनाया ब्यूटीन का चल यहां पर डबल बॉन्ड है हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड पाई अगर दो बॉन्ड है तो इनका एमओटी कैसे बनेगा मोलिक्योमीटर डायग्राम कैसे बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्योमीटर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकोमिटल पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलटल पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलटल राइट अब चलो चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है दो बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन तो चार इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे सबसे लोअर एनर्जी वाले में दो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर वाले में दो इलेक्ट्रॉन तो खाली कौन सा बचा है उसके जस्ट ऊपर में कौन खाली बचा है पाई स्टार तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो इस इलाके में सी डबल बॉन्ड सी के कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा जिस ऑर्बिटल के पास एनर्जी भी कम होगी और खाली भी होगा वो जगह भी खाली होगी है ना जिसको कि हम बोलते हैं लूमो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल इसी में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है लूमो में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है लूमो में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है कहां से दिया जाता है हाइएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल से कभी कोई लुइस बेस अगर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना लुइस बेस जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लुइस एसिड को तो हमेशा डोनेट करता है हाइएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल में आप समझ रहे हैं इसको इस तरीके को कोई भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कहां से कहां ट्रांसफर होता है हाइएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल से

ऐसे सोचा कीजिए बस कालि खत्म है फिर तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए कार्बोकेडाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो हमें चाहिए सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस i कार्बोकेडाइन स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा प्लस h उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी का काम करेगा प्लस m सबसे ज्यादा सबसे पहले आना चाहिए प्लस m ही दिमाग में अगर प्लस m कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो फिर हाइपर कंजुगेशन पर जाइए और अपने लिए केएफसी ध्यान में रखिए कि बेंजीन रिंग के साथ अगर आपको सी एच थ्री दिखाई दे बेंजीन रिंग के साथ अगर आपको सी एच थ्री दिखाई दे बेंजीन रिंग के साथ सी एच थ्री दिखाई दे तो हाइपर कंजुगेशन ही सोचा कीजिए बेंजीन रिंग के साथ सी एच थ्री दिखाई दे तो हाइपर कंजुगेशन सोचा करो क्यों सोचा करो भैया हाइपर कंजुगेशन क्योंकि बेसिकली सी डबल बॉन्डसी के साथ सी थ्री हाइपर ही प्रोड्यूस करेगा ना के अंदर भी तो सी है और उसके साथ है, तो ये इस पार्ट को ही दे रहा है प्लस आई में लेकिन अगर प्लस एच की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से अच्छा कोई नहीं है क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है सबसे बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अच्छा प्लस एच देता है

Meta पर निगेटिव चार्ज मेटा पोजिशन पर रेजोनेस हो ही नहीं पाता क्योंकि आपको पता है चार्ज हमेशा अल्टरनेट पर मूव करता है तो रेजोनेटिंग भी अल्टरनेट पोजिशन पर जाते हैं तो ऑर्थो के बाद पैरा है जो कि अल्टरनेट होता होता है है ऑर्थो के बाद पैरा होता ना अल्टरनेट पोजिशन और पैरा का फिर अल्टरनेट कौन होता है ऑर्थो होता है तो चूंकि रेजोनेस हमेशा अल्टरनेट पोजिशन पर ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोड्यूस करता है तो इसीलिए ऑर्थो के बाद पैरा आएगा पैरा के बाद वापस ऑर्थो आएगा मेटा भी कभी होता ही नहीं है तो इसीलिए अब तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके सामने ही है राइट right? लेक्ट दर करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी तो डी उठाएंगे सबसे ऊपर उसके बाद ई e लाएंगे पैरा पोजिशन वाले और डी और ई e सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं एक और ऑप्शन में यहाँ पर भी है डी ई e के बाद सी दो ऑप्शन डाले तो यहाँ पर थोड़ी सी टसल है थोड़ी सी फाइट है बी और ए को अगर आप कंपेयर करें तो बी और ए में पता है कि बी में कुछ भी हो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट तो एटलीस्ट ज्यादा है ना तो एटलीस्ट हाइपर कंजुकेशन नहीं है तो यहाँ पर गलती से हाइपर केंजुकेशन नहीं करना प्लस आई है नॉट प्लस एच बट स्टिल right? प्लस आई भी है तो कम से कम उससे तो बेटर ही है एर्मेटिक कंपाउंड्स के डिस्कशन पर आते हैं तो कंपाउंड्स के डिस्कशन में चुके ऑलमोस्ट यार किसी ना किसी शिफ्ट में कंपाउंड डायरेक्टली पहचानने को भी आ ही जाते हैं देखने को यही मिला है दो हजार इक्कीस में भी दो हजार बाईस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में से किसी ना किसी शिफ्ट में आपको डायरेक्टली कंपाउंड पहचानने को मिल रहे होते हैं तो आपने अगर एयमेटिक कंपाउंड को पहचानना तो सबसे पहले चेक किया कि है या नहीं पहले साइक्लिक होना चाहिए फिर प्लेनर होना चाहिए और प्लेनर होने के लिए एस पी टू एस पी कार्बन एटम होने चाहिए साइक्लिक प्लेनर और अगर एस टू हो गया तो यार वो कॉन्जुगेटेड भी हो जाता है इतना सब कुछ होने के बाद चेक किया करो कि क्या वो फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन पर जाता है कुछ लोग पहले ही इसी पर कूदते हैं पहले इसी को चेक कर रहे होते हैं भाई पहले ये देख लिया अगर पता चला तूने जो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन देख लिया और वो कॉन्जुगेटेड ही नहीं है वो प्लेनर ही नहीं है तो कहानी खराब हो जाएगी N की वैल्यू यहां पर स्टार्ट होती है जीरो वन टू थ्री ऐसे करके और पता है अगर फोर एन पाइव पर सेट हो गया ये मामला ये तीनों पॉइंट सेम रहते हैं लेकिन अगर लास्ट में फोर एन पाइव इलेक्ट्रॉन पर अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चले गए तो कहानी गड़बड़ा गई वो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक हो जाता है अदरवाइज होगा अगर वो फोर इन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन पर जाता है लेकिन ये कंडीशन छोड़ करके नहीं बेशर्मो ये कंडीशन होनी चाहिए कंडीशन नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं बेंजीन में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है ये साइक्लोपेट है

रूम टेम्परेचर पर दिखते ही नहीं और नॉन एरोमेटिक स्पेशीज नॉन साइक्लिक, नॉन प्लेनर, इनके अपने रिंग में sp3 थ्री कार्बन का प्रेजेंट होना सबसे बड़ी पहचान है क्योंकि एरोमैटिक एंड एंटी एरोमेटिक में शुरू के तीन पॉइंट्स बिल्कुल कॉमन होते हैं साइक्लिक होना प्लेनर होना कॉन्जुगेटेड होना sp2 कार्बन होना ये सब कॉमन चीज है जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में होती है राइट right? तो नॉन साइक्लिक होना, कार्बन होना ये सब पहचान है नॉन तो तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो सिक्स है, है है। में तो आपको साइक्लिक प्लेनर भी दिखाई दे रहा है और साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई दे रहा है बीफोर आई टी बॉम्बे हो गया क्या बात है? बढ़ते आगे चेक कीजिए फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल मैं हेल्प नहीं कर रहा आप ट्राई कीजिए खुद से लिस्ट स्टेबल जान रहे हैं अगर एरो एंटी वगैरह का डिस्कशन किया है तो उसी से रिलेट करके आपको भी आंसर करना है कीजिए ट्राई टू विज ऑफिंग रिंग बेंजियन रिंग एरो पर नॉन एरोमैटिक कार्बन तो बाकी सभी एरोमेटिक थे और वो हो गया नॉन एरोमेटिक फॉलिंग सिस्टम इज नॉन एर्मेटिक एसपी थ्री कार्बन पहले वाले में दिख गया एसपी थ्री कार्बन पहचानने घटाघट एसपी थ्री कार्बन पहचान, पहचान आंसर कर दीजिए करेक्ट बढ़िया 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 उड़ा दिया आपने तो। अब इसी एर्मेटिसिटी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैसे रखते हैं ऐसे प्रोटोनेशन एंड डी प्रोटोनेशन के बेसिस पर रखते हैं कैसे रखेंगे प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन के बेसिस पर भाई दो मोस्ट लाइकली टू लूज वाटर ऑन प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन आप करवा रहे मान लीजिए इस स्पेशस का तो हम मान करके ही चलते हैं कि इस स्पेशस का प्रोटोनेशन आप करवा रहे हैं। तो आप एक्चुअली एच टू प्लस में कन्वर्जन करके चूंकि एच टू ओ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है उसे बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो एच टू ओ को बाहर निकालेंगे कार्बोकटैन बनेगा जिस किसी केस में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा उस केस में प्रोटोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी बिकॉज के वो स्पेश खुद ही तैयार होगा कोई ना प्रोटोनेशन कर दो मैं तो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्जन कर लूंगा ये सोच करके तो आप अगर यहां पर प्रोटोनेशन करके पॉजिटिव चार्ज लाते हैं एस को हटा करके एरोमेटिक स्पेशस बनेगा अगर आप यहां पर लाते हैं तो एरोमेटिक नहीं बनेगा बट हां कॉन्जुगेटेड बनेगा एरोमेटिक बनने के लिए इसको भी एसपी होना चाहिए था नहीं है अगर मैं यहां पर पॉजिटिव लाऊं तो ये एंटी बनने लगेगा, तो इसको तो इसको भूल जाओ और यहां पर, आप पर रखते हुए समझ में ये आया कि सी तो भूल जाओ सी तो प्रोटोनेशन में जाना ही नहीं चाहेगा सबसे तेजी से कौन जाना चाहेगा जो एरोमेटिक स्पीशीज में कन्वर्ट होगा राइट ये वाला ये किया था आपने भी क्या बात बढ़िया बहुत अच्छे बढ़ते आगे द कंपाउंड इज इज नॉट एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड जो कि एरोमेटिक नहीं है हलवा क्वेश्चन एरोमेटिक नहीं चेक करें नाइट्रोजन का लोन पेयर एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में लोन पेयर वगैरह तो पहचान लेते ना आप अगला स्पेशीज सारे कार्बन एसपी है लेकिन चेक करना होगा भैया पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पर तो साफ दिख रहा है कि टेन पाई इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी दिख रहा है देखिए अगर किसी स्पेशीज के पास एक से ज्यादा लोन पेयर होता है तो सिर्फ एक लोन लोन का का ही इन्वॉल्वमेंट होगा में। और अगर आपको दिख रहा है कि यहां से यहां, नाइट्रोजन का लोन भी कुछ लोग काउंट कर रास्ता है होने का, तो वो खुद को अनस्टेबल नहीं बनने देता तो नाइट्रोजन के पेयर की उसको जरूरत ही नहीं है जबकि और जब इतनी आसानी से रेजोनेंस हो ही सकता है तो उसको कोई भी मुसीबत उठाने की जरूरत ही नहीं है यहां पर वो कुछ भी कर ले तो इस साइक्लिक और प्लेनर स्ट्रक्चर में एट पाई इलेक्ट्रॉन्स ही आने आने और एट पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आने तो फिर तो कानी गड़बड़ है राइट तो सेकेंड कर लिया होगा आपने गैस थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन को रखा जा सकता है कैसे रख सकते हैं इस तरह से कि पेयर बना करके दे दिया जाए एंड उसमें बोला जाए कि जो सेकेंड आयन है वो पहले वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाए तो आप चेक करोगे तो यहां पर इस वाले स्पेशज में दो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर चार है तो यह एंटी हो गया साइड कर दो यहां पर चार पाई इलेक्ट्रॉन है दैट एंटी ओरोटिक है ये है, एरोमेटिक है तो सेकंड वाला तो ठीक है सेकंड वाले ऑप्शन दो दिखाई दे रहे हैं बाकियों को उड़ा दो 50 50 ओपी हो गया थर्ड में गए ट्रोपालियम आयन और ये एट पाई इलेक्ट्रॉन ट्रोपालियन वाला बेटर हो गया तो टू एंड थ्री साफ साफ दिखाई दे रहा है आंसर हो जाएगा राइट आपने भी यही निकाल लिया होगा हलवा क्वेश्चन आपके तो फेवरेट क्वेश्चन है रोमांटिक सिटी वाले दे दो जिंदगी धन्य हो जाए तो ऐसे उड़ा देंगे मुझे एसिडिटी बेसिसिटी मत देना बस वो नहीं होता हमसे <laughs> कोई नहीं आने वाले उस पर देखते हैं वो कैसा नहीं होता है अमंग द गिवन कंपाउंड्स द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को देखिएगा जो रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहां पर भी होगा रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जितना कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर रोटेशन उतना कम रेस्ट्रिक्टेड होगा वहां पर रोटेशन उतना ज्यादा पॉसिबल होगा अबाउट द डबल बॉन्ड कनेक्टिंग द रिंग इज मिनिमम तो सबसे कम चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सबसे कम चाहिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर अब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम कैसे पहचानते हैं कि कहां पर कम कहां पर ज्यादा है अगर मेरे उस डबल बॉन्ड को गायब करने की वजह से जैसे मैंने इस माइनस पुट कर दिया इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और ऊपर वाली रिंग पर माइनस कर दिया और नीचे वाली रिंग पर प्लस कर दिया तो मुझे पता है कि ये बड़ा सही कंडीशन है यहां पर दोनों रिंग्स जो है एरोमेटाइज हो रही हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को इतने प्यारे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके तो गेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों रिंग एरोमेटाइज हो गई ऊपर वाली भी नीचे वाली भी अगर मैंने यहां पर सेम काम किया तो किसी ना किसी एक पर नेगेटिव किसी ना किसी एक पर पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाली तो जाएगी नीचे वाली हो जाएगी कहानी गड़बड़ा गई ये सही था दोनों ऊपर नीचे एरोमेटिक हो गए अगर दोनों ऊपर नीचे एरोमेटिक हो गए तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में रह करके दोनों रिंग को एमोटाइज कर पा रहे हैं यहां पर अगर आप किसी एक को प्लस और किसी एक को माइनस करेंगे तो फिर से वही कहानी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक लास्ट वाले में गए यहां पर ट्रोपालियम आयन बन सकता है तो उसको ट्रोपालियम बनाया और उस चक्कर में पाई बॉन्ड को प्लस और माइनस करके तोड़ेंगे तो ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक और नीचे वाला एरोमेटिक तो कहानी सबसे अच्छी किसमें दिख रही है सी में

ए ऑप्शन में चेक कीजिए पाई इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए साइक्लिक होना प्लेनर होना कॉन्जुकेटेड होना मैच कराइए अगर एरोमेटिक है तो एरो भी चेक कीजिए कि क्या वो फोर प्लस टू के साथ सेट बैठ रहा है क्या वो नॉन प्लेनर है क्या वो रेडिली रिएक्ट कर सकता है मेटल के साथ देखिए रेडिली रिएक्ट करने का मतलब है मेटल के साथ के मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो कोई भी स्पेशीज जो, जो मेटल से रिएक्ट करेगा जैसे कि ये साइक्लोब्यूटा डायन यह अक्सर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करना पसंद करता है या एक्टिव मेटल के साथ मेटल्स के साथ रिएक्ट करना पसंद करता है बिकॉज इससे फायदा है इससे काफी क्या फायदा है भाई पहले से इसके पास चार पाई इलेक्ट्रॉन थे और इसके अंदर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक थी लेकिन जैसे ही ये दो पोटेशियम से दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है अब इसके पास छह इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और अब ये एरोमेटिक स्पेशीज बन जाता है तो एंटी एरोमेटिक स्पेशीज इतने हाईली अनस्टेबल होते हैं उनको एक भी मौका मिलता है नॉन एरोमैटिक बनने का वो नहीं छोड़ते और एरोमेटिक बनने का मौका मिले तो वो कैसे छोड़ सकते हैं तो इसीलिए किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन किनका होता है जिन किसी भी स्पेशस को ऐसा फील होता है कि वो अपनी कम स्टेबिलिटी वाली कंडीशन को हाई स्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो तोड़िए फोड़िए आग लगाइए बताइए मुझको ए ऑप्शन के साथ क्या जा रहा है चेक कीजिए ए के साथ पी एस डब्ल्यू एसडब्ल्यू का मतलब ऐसा कुछ है एरोमैटिक होगा अच्छा एरोमैटिक है एंड प्लेनर भी है राइट ना एरोटिक है प्लेनर है एंड एन प्लस टू है नॉन प्लेनर नहीं बोल सकते जब प्लेनर बोल दिया तो और Z रेडी रियक्ट विद मेटल नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी एरोमैटिक है तो एंड फोर एन इलेक्ट्रॉन तो वैसे नहीं होगा तो पी एस डब्ल्यू परफेक्ट है सेकेंड वाले में साफ दिख रहा है

तो इस स्पेसिस के पास जो आठ पाई इलेक्ट्रॉन है उसको दस पाई इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग किसी भी के साथ कर करके। so क्योंकि है। X क्योंकि, क्योंकि नॉन प्लेनर है एंड Z इसलिए क्योंकि ये अपने आठ पाई इलेक्ट्रॉन को दस में कन्वर्ट करना चाहेगा राइट right? तो अकेला मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन के थ्रू ना तुम अपना सारा रो का अच्छा रिवीजन कर सकते हो अकेला रिवीजन के लिए अकेला ये क्वेश्चन काफी है आपके साथ बड़ा इश्यू ये है कि आप जब भी आप रिवीजन करते हो ना तो आप थ्योरी का रिवीजन करने लगते हो ऐसे लोग जो थ्योरी का रिवीजन करते हैं यार सॉल्विंग की टेंडेंसी कभी आएगी नहीं और सॉल्विंग से हमेशा डर रहेगा आपको तो सॉल्विंग से हमेशा डर रहेगा तो बात बनेगी नहीं और जितने भी लोग जो कि अच्छे मार्क्स उठाते हैं अच्छी परसेंटाइल बनाते हैं उनकी एक टेंडेंसी कॉमन होती है एक आदत कॉमन होती है क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं और जब वो रिविजन भी करते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के रखा कीजिए जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला हो अकेला एक क्वेश्चन शुरू से आखिर तक सॉल्व करें एंड टू एंड खुद से सॉल्व करें बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा समझे ना चलिए उसी तरह से लास्ट वाले में जाइए डी वाले में देखिए डी वाले ऑप्शन के साथ ये स्पेशियस जो है वो टेन एनुलिन कहलाता है और टेन एनुलिन में यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना इस हाइड्रोजन की वजह से रिपल्शन होता है और ये स्पेशीज भी नॉन प्लेनर स्पेशीज होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन नॉन प्लेनर स्पेशीज है ये भी देखने से लगता है ना देखने से लगता है ना कह रहे यार टेन पाई इलेक्ट्रॉन है सोचना ही क्या है अच्छा ये यही मेन में इस बार आया था दो में और आया तो और एंसर कर दे दिया था उन्होंने आंसर गलत दे दिया था <laughs> नॉन प्लेनर स्पेस है ना तो एरोमेटिक वगैरह मार दिया था इसको शायद नॉन एरोमेटिक स्पेसिस बिकॉज नॉन प्लेनर है एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकते एंटीरोमेटिक होने के लिए आपको पता है प्लेनर होना जरूरी है तो आपको समझ में आएगा कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जो प्लेनैरिटी वाली जो बातचीत होती है वो क्यों लिखी जाती है इसीलिए क्योंकि sp2 कार्बन होने के बावजूद हकल्स रूल फॉलो करने के बावजूद वो नॉन प्लेनर हो सकता है किसी रिपल्शन वाले इशू की वजह से या इसके जैसे इशू हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही करता हो अपनी एंटी एरिटी को खत्म करने के लिए इस तरह के नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में समझे इसलिए ओके okay, चलिए भैया बढ़ रहे हैं आगे इन द गिवन कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आप सर्च कीजिए आंसर बताइए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है

स्पेश के बारे में अभी पढ़ा इस स्पेशस के बारे में अभी पढ़ा तो डाउट नहीं होना चाहिए आंसर निकालिए आप बताइए कितने आ रहे हैं चार चेक चार सही देखिए नॉन एरोमेटिक एंटी ये नॉन एरोमेटिक सही बढ़िया तो बच कितने गए बच भी गए चार तो टोटल टो कितने टो स्पेशस थे आठ आठ में से चार नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक आ गए तो इसीलिए जो बच गए वो चार आंसर यहां से हटा देता हूं सो कि जब आप बना रहे हो क्वेश्चन तो रिवाइज कर पाए आप ओके ठीक है भैया एसिडिटी वाला पार्ट आ गया है तैयार तो है आप एसिडिटी का माइंड मैप दिखाएं अब आया ना कुछ जलवा दिखाने वाला <laughs> देखो एसिडिटी का यह पार्ट तो सबको पता है आइनिकम से कि अगर कभी किसी स्पीसी की एसिडिटी हाई होती है तो एसिडिटी हाई होने का मतलब के वैल्यू हाई होगी और पी के वैल्यू कम हो जाएगी करेक्ट वैसे बेसिसिटी में भी होता है बढ़िया ना बेसिसिटी में भी ऐसा ही के भी वैल्यू हाई होती, पी के भी कम होती है करेक्ट ओके माइंड मैप बना दिया मैंने यहां पर रिवीजन करने के लिए आपको इन बातों की जरूरत होती है सबसे पहले आपको यह चेक करना है जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहां पर कांड करते हैं यह सोचते ही नहीं है वो एसिडिटी को अलग ही तरीके से लेते हैं दो चीजें जो बिल्कुल भी नहीं सोचते एसिडिटी में वो एक ये है कि हाइड्रोजन कौन से आइटम के साथ अटैच है और दूसरा ये पी के वैल्यू सोचना ही नहीं कुछ भी करना है कुछ भी करना बट ये नहीं करते अब इनके वजह से क्या क्या बलेंडर होता है वो ध्यान से देखिएगा पहले तो आदत बनाइए और चैट बॉक्स में लिखिए इस बात को कि हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए कौन से आइटम के साथ अटैच्ड है ये पहले देखना जरूरी है अगर हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन के साथ तो वो ज्यादा एसिडिक होगा एस कम्पेयर टू अगर हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ दो तरह के हाइड्रोजन दिखाई देते हैं पूरी एसिडिटी के डिस्कशन में एक हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ होता है एक हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ होता है जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड होता है तो वो एसपी हाइब्रेडाइज कार्बन एसपी टू हाइब्रेडाइज कार्बन एसपी थ्री हाइब्रेडाइज कार्बन ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है एस पी एसपी टू एसपी थ्री ऐसा कुछ हो सकता है एच हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अटैच हो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है उसके लिए ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखिए सल्फोनिक एसिड्स सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं पीके वैल्यू या तो निगेटिव होती है या लेस देन वन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर भी ओ के साथ एच अटैच है इनकी पीके वैल्यू लेस देन फाइव होती है नाइट्रोफेनॉल्स की बात करें इसमें मोनो नाइट्रोफिनॉल डायनाइट्रोफिनॉल ट्राइनाइट्रोफिनोल्स तीन तरह के होते हैं जो ट्राइनाइट्रोफिनॉल है स्पेशली एसिड उसकी पीके वैल्यू होती है जीरो पॉइंट्रोफिनॉल्स की स्पेशली पिक्रिक एसिड की जो टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल है उसकी पीके वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री एट है मैं पीके वैल्यू क्यों बता रहा हूं क्या यह पीके वैल्यू रटनी है देखो पीके वैल्यू का एक रफ अंदाज जरूरी है रटना जरूरी नहीं है और रफ अंदाज में कुछ भी मुश्किल नहीं है बेशर्म हो तुम तो अगर ये बोलते हो मेरे से ये नहीं हो रहा है इसमें इस डबल बॉन्ड ओ और एक ओ एच है आप जब कभी भी एसिडिटी का डिस्कशन करेंगे तो एसिडिटी के डिस्कशन में हम एसिडिक हाइड्रोजन चेक करते हैं और एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके हम अनायन बनाते हैं अनायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक होता है वो स्पेशीज राइट right? जितना अनायन स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक होता है वो स्पेशीज करेक्ट तो जरा देखिए आपने हर बार मतलब आपको क्या करना है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को ना जो मैंने माइंड मैप में ऑब्जर्वेशन बताया उनके साथ मर्ज करना है उनके साथ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को वो ट्रिक के रूप में काम करेंगे आप अपने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को उनके साथ हाइब्रिड बनाइए और मजा देखिए अल्ट्रा प्रो लेवल पर चले जाएंगे आप अगर आपको लगता है कि आपसे याद नहीं हो रहा अरे तो ये तो काम कर लो पहले इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ अनायन बना इस अनायन में तुम क्या पा रहे हो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हुए कार्बोक्सिलेट है ना माइनस यहां ओ माइनस बनाएगा तो दो इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इससे ज्यादा स्टेबल एनाइन बनाएगा सल्फोनिक एसिड इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक है आप इसके एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके देखिए इसके एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए हटा और देखिए देखा अभी अब आप यहां पर और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस होते हुए पा रहे हैं अगर यहां रेजोनेंस पॉसिबल है तो वो नीचे भी पॉसिबल है दोनों तरफ रेजोनेंस है है ना यहां पर तीन इक्यू एल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे पर दो इक्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे तो कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक में पता ही सल्फोनिक ज्यादा एसिडिक होगा हाँ एक और बात आपको बता दें वैसे कि आपकी वीक वीजेज आप मिस मत करना पिछले साल 2022 में अगर आपने से कई सारे लोगों ने वीक वीज देखा होगा नहीं देखा है जिन्होंने बता दे वीक के थ्रू आपकी इनऑर्गेनिक का रिवीजन बहुत खतरनाक होता है आपको कुछ भी इनऑर्गेनिक में आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आगे भी ज़्यादा कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं चुपचा बस चुपचाप बस वीक विजेज लगाइए वीक विजेज के थ्रू सारी एन के लाइन बाय लाइन अच्छा मेरे एनसीआर लाइन बाय लाइन के सेशन जो प्ले होगी एन लाइन बाई लाइन की वहां से पी ज़रूर डाउनलोड कर लेना और वो रख लेना जब भी समय मिलता है तो उनको देख जाना उससे तुम्हारे जो एनसीआर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा एनसीआर के हर वो गुमशुदा लाइन जो होती हैं, जिन लाइंस को तुमने टच नहीं किया होता है जिन पॉइंट्स को तुमने टच नहीं किया होता है, है, वो, वो है यूजली दिखाई देते हैं तो एक तो डर खत्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके अभी से देखते जाओ तो अच्छी बात है बाकी वीक विजेस जरूर लगाना ऑर्गेनिक के उन सेक्शन के लिए जहां पर तुमको रिएजेंट्स वगैरह ध्यान नहीं रहते हैं प्लस इनऑर्गेनिक के लिए वीक विजेस तुम बार बार खेल सकते हो सपोज दुम तो सही होते हैं तो तुम कल भी उसको लाइव वाली के साथ कर सकते हो। और दोबारा अपनी पोजीशन को बेटर बना सकते हो एक तो इंगेजिंग होता है बोरियत नहीं आती है तुम सॉल्विंग कर सकते हो रिपीटेडली सॉल्विंग कर सकते हो बिना बोर हुए ये सबसे अच्छी बात है उसकी और बस ऐसा ही है कि तुम ऑप्शन के थ्रू रिकॉल करते जाओगे स्ट्राइक करते रहेगा तुम्हारे माइंड में वो रिपीटेशन जहां पर तुम चीजों को रट रहे होते हो वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है वो रिपीट करने का तो मिस नहीं करना है दिमाग में तो बता दिया बाकी वापस आते हैं देखो माइंड मैप में यहां पर आप देखोगे पीके वैल्यू मैंने सल्फोनिक एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की बताई फिर नाइट्रोफिनॉल्स की बताई तो नाइट्रोफिनॉल्स एंड फिनॉल का कहानी सुन लो अच्छा एक चीज और यहां पर मैंने लिखी हुई आपको दिख रहा होगा नाइट्रोफिनॉल्स के बाद मैंने एक्टिव मिथाइलिन लिखा हुआ है देख रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन बड़ी खतरनाक चीज होती है जानते हैं एक्टिव मिथाइलिन क्या है? एक्टिव मिथाइलिन। कार्बोनाइल ग्रुप इसके बाजू में जो कार्बन होता है इस कार्बन को सुनना जैसे ये कीटोन है मान लो इस कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन की बातचीत कर रहे हैं कीटोन के बाजू में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है वो भी एसिडिक होता है आप अगर इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां पर सी पर माइनस आएगा ये रेजोनेंस में जाएगा बस एक गड़बड़ है जिस कार्बन जिस हाइड्रोजन को आप हटा रहे वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है और इसीलिए इसकी एसिडिटी बहुत नीचे है आप देख रहे होंगे कि इसकी एसिडिटी को हमने कहां रखा हुआ है नीचे दिख रहा है आपको किटोन्स यहां पर है दिखाई दिया कितने लोग देख रहे हैं ध्यान से देखना देखो हमारा ये जो अप्रोच है एसिडिटी का ये बहुत ट्रिकी अप्रोच है इसमें हम साथ साथ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मिला रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर जो हमने इस स्लाइड पर लिखा है क्या लिखा है भाई साहब ये लिखा है कि आपने हाइड्रोजन हटाना है अनायन बनाना है और अनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा जैसे कि आपने इक्वेलन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला पॉइंट लगाया जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रियक्टिव एसिड जो जितना जल्दी रिएक्ट करे जितना जल्दी एच प्लस दे दे तो ज्यादा जल्दी एच प्लस वही देगा ना जिसको ज्यादा स्टेबल स्पेसिज बनता हुआ जिसके केस में दिखाई दे रहा होगा तभी तो वो सोचेगा कि हाँ मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से जल्दी चेंज कर लू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बड़ा दिखाई दे रहा होगा तब तो वो जल्दी कन्वर्ट होगा तब तो जल्दी से जल्दी एच प्लस रिलीज करेगा राइट तो कीटोन जहां पर के कार्बोनाइल होता है सी डबल बॉन्ड ओ होता है उसके बाजू में कार्बन है और उस कार्बन की एसिडिटी देख रहे हैं आप नाइनटीन लेकिन वही अगर एक्टिव मिथाइलिन होगा तो पीके वैल्यू में कितना ह्यूज डिफरेंस है देख रहे अब इस कीटोन का कंपेरिजन देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ये कार्बोनाइल है कार्बन है एक्टिव एक्टिव मिथाइलिन मिथाइलिन वाला फिर से ये बिटवीन टू सी डबल बॉन्डो दो के बीच में एक जो सी एच टू आपको दिखाई दे रहा है सीएस टू से हाइड्रोजन हटाते निगेटिव, निगेटिव चार्ज लाते हैं साइड रेजोनेंस में जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस की वजह से क्या होता है नेगेटिव चार्ज दोनों साइड रेजोनेंस में जाता है, दो ऑक्सीजन आगे डिलोकलाइजेशन के लिए यहां पर एक ध्यान में रखिएगा कि एक ऑक्सीजन की डिलोकलाइजिंग पावर दस कार्बन पर डोमिनेट करती है एक ऑक्सीजन की डिलोकलाइजिंग पावर डिलोकलाइजिंग पावर दस कार्बन पर डोमिनेट करती है दस कार्बन पर डोमिनेट करती है ये एक साइड ट्रिक है जिसके थ्रू हम अपने कई सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं दैट इज वाई हेल्पफुल है ये काफी तो अभी भी आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं वो तो कार्बन का ही हाइड्रोजन है हां डीलोकलाइज करने के लिए ऑक्सीजन आ गया है तो इस एसिडिटी ऑर्डर में आप जब गए तो पहले ओ OH, एच काफी एसिडिक होगा ओ के साथ हाइड्रोजन अटैच है और डीलोकलाइज भी ऑक्सीजन कर रहा है ओ के साथ हाइड्रोजन अटाइज है डीलोकलाइजेशन भी ऑक्सीजन कर रहा है नाइट्रोफिनॉल्स में ओ के साथ एच अटैच है और डीलोकलाइज भी ऑक्सीजन कर रहा है क्योंकि नाइट्रो में भी ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है एक्टिव मिथाइलिन में यहां पर देख रहे हैं?

बेसिसिटी में ज्यादा क्लैरिटी होती है लोग बेसिसिटी में ज्यादा बच जाते हैं एसिडिटी में बैंड बजी रहती है और एसिडिटी का यूज ज्यादा आगे के मैकेनिज्म वाले सेक्शन में एसिडिटी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए तो एसिडिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए फोड़ करके रखिए तो एटीट्यूड यही रखिए देखिए यहां पर लोग सबसे ज्यादा मिस करते हैं सोचते ही नहीं लोग ऐसे एक और बात मैंने बीच में लिखी भी है जिसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं लोग सोचते हैं कि अगर हाइड्रोजन हटा करके जो अनायन बनाएंगे उस एनायन के बनने पर अगर एरोमैटिसिटी आ गई तो खतरनाक एसिडिक होता है वो ऐसा नहीं है ना no, ना nah, nah. ये गलत बात है एरोमैटिसिटी आप अगर ला रहे हैं कार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके तो वो थोड़ी ना बाप होगा वो थोड़ी ना सारे के सारे एसिडिटी का बाप होगा वो बीस्ट लेवल पर नहीं होगा वो बीस लेवल पर नहीं होगा जिसका बहुत ही लेजेंडरी एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटर डायान तो आप एरोमैटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी लाते हैं बहुत ठीक है अच्छी बात है लेकिन कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके अगर आप ला रहे हैं एरोमैटिसिटी तो वो कुछ खास मतलब होगा एरोमैटिसिटी डिफरेंस तो बड़ा क्रिएट करती है लेकिन वो बीट कर देगी के एच को ये बहुत मुश्किल काम है ये नहीं होने वाला ये नहीं होने वाला तो ये एक्टिव मिथालिन फंसाने वाली चीज है है ना और उसके बाद फिनॉल है फिनॉल में ओ के साथ एच है ओ का एच हटाएंगे लेकिन रेजोनेंस ऑक्सीजन नहीं करवाता है रेजोनेंस कार्बन करवाता है क्योंकि फिनॉल में बेंजीन रिंग है देन एल्कोहल्स एल्कोहल्स में ओ का एच तो है लेकिन रेजोनेंस करने के लिए वहां पर ना बेंजीन रिंग है ना कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है नॉर्मल जब हम एल्कोहल बोलते हैं तो एलिफेटिक एल्कोहल्स की बातचीत हो रही होती है यानी कि नॉर्मल कार्बन चेन है रेजोनेंस भी नहीं है तो दैट इज की एसिडिटी काफी नीचे है कि में ओ का एच ही नहीं है तो एसिडिटी बहुत नीचे है लेकिन कीटोन में एक बात है जो एल्काइंस से ज्यादा एसिडिक उनको बनाती है है वो बात क्या ज्यादाइंस में तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है कोई डिलोकलाइज करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है अगर कोई ऐसा ग्रुप लगाते हो कि डिलोकलाइजेशन ऑक्सीजन के थ्रू होता है नाइट्रोजन के थ्रू होता है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी एलकाइन की भी लेकिन नॉर्मली अगर आप कंपेयर करें तो कीटोन ज्यादा एसिडिक क्यों है अल्काइन से रीजन बीइंग कि कार्बन का हाइड्रोजन आप कीटोन में भी हटा रहे बट डीलोकलाइजेशन ऑक्सीजन कर रहा है लेकिन अलकाइन जनरली नीचे होते हैं बिकॉज क्या आप कार्बन का ही हाइड्रोजन हटा रहे और डिलोकलाइजेशन ऑक्सीजन के थ्रू नहीं हो रहा है दैट इज वाई की यह ऑर्डर है एरोमेटिसिटी सबका बाप नहीं है क्योंकि एरोमेटिसिटी अगर कार्बन का हाइड्रोजन हटाने से आई है तो आप उसको ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से कंपेयर करने जाएंगे तो अक्सर आप पाएंगे कि वो कमजोर ही होगा उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने रखने है। हैं चेक कर करते चलिए क्वेश्चन के थ्रू चेक करते अपने कॉन्सेप्ट को और धीमे धीमे अब सारे पॉइंट जो हमने सीखे उनको अप्लाई करते चलते हैं। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन सामने आपके क्वेश्चन है देखिए इस वाले ऑप्शन को मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच थ्री आप शायद उसको समझ ना पाए तो दैट इज कि आपकी हेल्प कर दे रहे बेशर्मो खुद से समझ लिया करो वैसे तो डी वाले को भी ओपन कर दे रहे सी ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री ये डी ऑप्शन है आपका लीजिए आंसर कीजिए चेक कीजिए तो हाँ। ए ऑप्शन ला दिया ना कितने लोगों ने ये ऑप्शन लाया है सबके दांत टूटेंगे अब देखो मैंने जान बुझ करके क्वेश्चन पर इसीलिए रखा क्योंकि अभी आपको जस्ट मैंने बताया। तो की तारीफ सुनकर लोगके बाद कार्बन अभी तो, तो देखा था किटो ने यह तो इसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया बेशर सीओडी तो देख ले तेरे लिए रखा था कि तू सुनेगा रटेगा आगे बढ़ जाएगा अभी थोड़ा दिमाग भी लगाना है उसी एक्टिव मिथालीन का भी बाप लगा दिया हमने यानी कि एक और ये एक्टिव मिथालीन में ये होता है आप दो कार लगा कर करके रखते हो तो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोनों साइड राइट भाई देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ये है अगर रेजोनेंस ऐसे हो रहा होता है तो दिस इज सिंपल रेजोनेंस जब रेजोनेंस ऐसा होता है तो दिस इज क्रॉस रेजोनेंस और जब रेजोनेंस ऐसे होता है या ऐसे एक ही जगह से सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस, ज्यादा डिलोकलाइजेशन ज्यादा स्टेबिलिटी और अगर आपने एक और हाइड्रोजन हटा करके आपने यहीं पर एक और कार्बोनाई लगा दिया तो ज्यादा एसिडिक होगा ना बदमाशो कांड किया मत करो कांड ज्यादा एसिडिक नेक्स्ट करेक्ट और ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स भाई सारे के सारे अल्काइन उठाए हुए और उन अल्काइन के साथ ना बाजू में ग्रुप्स लगा दिए एसिडिटी को हमेशा नुकसान है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज से हमेशा एसिडिटी के लिए याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा एसिडिटी बढ़ाएंगे रीजन बीइंग आप एसिडिटी में हाइड्रोजन हटा करके एनायन बनाते हैं अनायन के पास निगेटिव चार्ज उस निगेटिव चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप काम आएंगे ना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जो कि एसिडिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि वो निगेटिव चार्ज को खींचते हैं स्टेबलाइज करते हैं। समझ रहा है जी मालिक चलिए तो हर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वहां पर एसिडिटी कम हो जाएगी आप चेक करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पर दिखाई दे रहे क्या सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है हमारे सिलेबस में तो सी डबल बॉन्ड सी में हाइपर कंजुगेशन करते हैं सिलेबस के बाहर अलकाइंस में भी हाइपर कंजुगेशन होता है सिलेबस के अंदर नहीं होता आप यहां से भी उसको हाइपर कंजुगेशन वाले डोनेशन ग्रुप में भी ले सकते हैं बाकी इंडक्टिव इफेक्ट वाला लेंगे उससे भी आपका आंसर आ ही जाएगा तो फटाफट देखिए अल्किन से कंपेयर करेंगे अगर तो अलकाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा ही होती है हमने अलकाइंस के लिए पीके वैल्यू देखी थी ट्वेंटी थ्री के अराउंड होती है राइट ना अलकीन ये चले जाते हैं थर्टी के ऊपर जो है वो चला जाता है फोर्टी के ऊपर पीके में तो ये सब एसिड के नाम पर कलंक नहीं कलंक के नाम पर एसिड है अलकाइन को सबसे आगे ले लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनर लगाइए इलेक्ट्रॉन डोनर की वजह से एसिडिटी कम हो गई और उसके बाद जो अल्किन है वो सबसे नीचे अल्किन सबसे नीचे जाना था राइट ओके वीकेस्ट एसिड पूछा गया है एसिड वाला पार्ट हर जगह सेम है आंसर किसकी वजह से निकालना है जिस ग्रुप की पोजीशन को चेंज होते हुए देख रहे हो डिफरेंस उसकी वजह से आ रहा है और ओ एच कैसा ग्रुप है ओ एच ग्रुप ऑक्सीजन के पेयर की वजह से एक प्लस एम ग्रुप है राइट प्लस एम और माइनस आई पता है हाइलोजन को छोड़ करके सबके लिए प्लस एम डोमिनेटिंग होता है प्लस एम की वजह से आंसर निकालना है प्लस एम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर है जो एसिडिटी को कम करेगा है ना ये मैं जान बुझ करके कैसे लिख रहा हूं सो दैट जितने लोगों को कनेक्ट करने में दिक्कत होती है वो ऐसे कनेक्ट करें जो प्लस एम और माइनस एम ग्रुप को पहचानने की जो आपकी आदत है वो आपको कभी भी हेल्प कर रही होगी कभी भी आपको मुसीबतों से बचा रही होगी ठीक है चलिए फोड़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ओएच लगाया ऑर्थो और पोजिशन पर ऑर्थो पैरा पोजिशन पर जैसे ही लगाएंगे वैसे ही प्लस एम ऑपरेट करेगा और एसिडिटी को डाउन कर देगा ओएच ग्रुप मेटा पोजिशन पर और मेटा पोजिशन पर जैसे ही आप ओएच लगाएंगे वहां पर प्लस एम काम नहीं करेगा करेक्ट प्लस एम काम नहीं करेगा तो प्लस एम काम नहीं करेगा तो एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी राइट ना यहां पर प्लस एम काम नहीं कर रहा है लिख दू मैं वापस पीछे नहीं लिखा था प्लस एम नॉट ऑपरेटिंग सिर्फ क्या ऑपरेट कर रहा है माइनस आई ऑपरेट कर रहा है यहां पर तो प्लस एम डोमिनेटिंग है और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट तो नहीं है एटलीस्ट अगर ऑर्डर लिखे तो सबसे ज्यादा एसिडिक है सी सी के बाद ए ए के बाद बी यह ऑर्डर तो आप समझ पा रहे हैं सी ए बी सी ज्यादा एसिडिक बिकॉज ऑफ माइनस आई और सबसे कम एसिडिक बी बिकॉज ऑफ प्लस एम नेक्स्ट एरिजन फॉलिंग एसिडिटी एसिडिटीजन देख रहे हैं इनका माइनस आई डोमिनेट करता है इनके प्लस एम पर सी एच थ्री देख रहे हैं हाइपर कॉन्जुकेशन डॉमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुकेशन प्लस आई नहीं सोचेंगे एन टू माइनस एम और माइनस आई दोनों शो करता है माइनस एम सोचेंगे

तो एनो टू नाइट्रोफिनोल्स माइनस एम और माइनस आई थर्ड वाला सबसे एसिडिक होना चाहिए से भाई में अगर आ गया तो सोचना ही ही नहीं आंसर वैसे फोड़ दोगे करेक्ट सी है सबने लगा दिया सी आगे सोचना ही नहीं, नहीं। बाकी ऑप्शन देखने क्यों है ऐसा नहीं है सीखने के लिए क्लास में तो देखेंगे बाकी ऑप्शन बट वैसे आंसर निकालने के लिए ठीक है जैसे भी कर लीजिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंट ग्रुप्स yes. भाई हमने पूरा यहां पर अरे कैसे पापी लोग है ये अभी तक एक हजार नहीं हुए पापियों कैसे बेशरम हो गए तुम लोग आगे नहीं बढ़ रहा मैं तो लाइक एक हजार करो तो मैं नहीं जा रहा आगे बेशरम मेरे को ध्यान ही में नहीं है कैसे पापी है ये सारा लाइक तो है तुम जा करके ना एंजली जोली वाले वीडियो पर डाल रहे हो ना तुम लोग कैसे बेशरम लोग है यार पापियों बहुत पाप किए तुमने जिंदगी में कैसे धोगे तुम इतने पाप को बताओ कैसे लोग भाई सारे रोस्ट वीडियो पे लाइक्स देखो ना जिंदगी में बेशरम सब मैं नहीं बोल रहा जाओ तुम लगा लो पाप तुम अपने ऊपर चढ़ा लो पाप तुम कितना भी पुण्य कमाओगे बेशरम सब न्यूट्रलाइज नहीं होगा तुम्हारा पाप समझे ना लेक्चर खत्म होते होते अगर एक हजार नहीं हुआ यहीं पर बैठ जाऊंगा मैं भूख हड़ताल पे देखते हैं लेक्चर खत्म होते तक होता है कि नहीं एक हजार हड़ताल नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऐसे घूमते घूमते आते हैं अच्छा हाँ जीओसी चल रहा है कोई नहीं वीडियो खत्म हो जाएगी ना उसके बाद फाइव पे देख लेंगे लाइक की क्या जरूरत है लाइक तो हम इंसान की वीडियो पे डाल के आएंगे कैरी की सब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ अलग अलग जगह पर ओ एच OH लगाए हुए हमारा काम है हम एच हटाएंगे ओ माइनस बनाएंगे चेक करेंगे कि उस ओ माइनस को किसी तरह का डीलोकलाइजेशन मिल रहा है ओ माइनस के साथ कोई डिलोकलाइज करने को लगा हुआ है सर्च किया इस ओ माइनस के साथ कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है इस ओ माइनस के साथ भी नहीं क्योंकि यहां पर भी भी कार्बन है इस ओ माइनस के साथ भी नहीं इसके साथ साथ तो और कार्बन है इसके साथ तो कम से कम इधर से एसपी टू था बट डीलोकलाइजेशन नहीं हां ये है क्योंकि ये फेनॉल वाला है राइट तो एसिडिटी में एक तो दिख रहा है कि डब्लू वाला जो है वो ज्यादा होगा इनको उड़ा दिया बोले कि भाई ये दोनों में से आंसर होगा अब डब्लू के बाद Z रखेंगे कि X रखेंगे ये चक्कर इसे आंसर निकल जाएगा लोगों ने ठोका हुआ वा वहां पर B ऑप्शन B ऑप्शन B ऑप्शन लीजिए भाई चेक ही कर लेते हैं जब इतना ही कर रहे हैं तो आ आइए चेक करते भाई X और Z में आपके पंगे क्यों पड़ गए अगर X वाले को देखें तो इस X में ये कार्बन sp3 है लेकिन ये sp3 कार्बन देखिए इसको ऐसे सोचिएगा मैंने x वाले ही बनाया oh लगाया कार्बन sp3 है इस कार्बन के साथ ये पूरा टू रेजोडेंस नहीं हो रहा है लेकिन एक ही कार्बन है SP3 वाला और w के बाद हम x क्यों रख रहे हैं z क्यों नहीं रख रहे हैं क्योंकि अगर z की बातचीत करें तो देखिएगा इस z के साथ oh है z वाला इसके साथ ये कार्बन है ये कार्बन खुद भी sp3 थ्री है और फिर इस कार्बन के साथ जो कार्बन लगे हुए वो भी sp3 थ्री है देखिए तो ये तो डोनर कार्बन है ना एक एसपी थ्री था एक्स के साथ और उसके जस्ट बाद एसपी टू कार्बन थे तो ये तो बेटर है ना अरे ये तो बेटर है ना भाई उससे तो बेटर ही है ना उस पर सिर्फ डोनर ही लगे हुए यहां पर तो डोनर के बाद क्या है खींचने वाला लगे हुए ठीक है तो इसीलिए ए आना है अगला क्वेश्चन वन मोल ऑफ सोडियम एसिटेट लगाया गया है सोडियम एसीटेट एक बेस है एंड इसका सिर्फ वन मोल दिया गया और यहां पर मुझको दो मोल एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं तो हमेशा याद रखना है कि मोस्ट एसिडिक एच रिएक्ट्स फर्स्ट उसी की टेंडेंसी ज्यादा होगी और इसीलिए सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को सबसे पहले रिएक्ट करवाएंगे mm. सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को सबसे पहले रिएक्ट करवाइए तो बेस का रिएक्शन किसके साथ होगा जो सबसे एसिडिक होगा उसके साथ करवाइए उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कीजिए एक मोल का रिएक्शन करवाना है कौन सा आंसर ला रहे बी4 आईटी बॉम्बे चेक करते बेइज्जती मत करवाना सॉल्ट में कन्वर्ट सिर्फ इसको करना था इसे नहीं करना है यहां पर इसे ही कर दिया इसे नहीं किया है यहां पर दोनों को कर दिया है और इसमें बोल रहा है कि ना होने वाला रिएक्शन सभी गलत ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यहां हेल्प की जरूरत नहीं है आपने sp3 कार्बन का ही हाइड्रोजन हटाना है क्यों क्योंकि भाई उसी का हाइड्रोजन हटाना आसान भी होता है और साफ साफ दिख रहा है वो दिखा भी रहे हैं ऐसे ही तो मैंने ना एसिडिक हाइड्रोजन यहां से हटाना है अनायन बनाना है एसिडिक हाइड्रोजन यहां से हटाना है अनायन बनाना है इस वाले केस में मुझको साइक्लोपेंटर अनायन मिलने वाला है एरोमैटिक स्पेशीज यहां एरोमेटिक स्पेशीज नहीं मिलने वाला है राइट वहां देखे तो एरोमैटिक भी है और साथ साथ साइनाइड का माइनस एम और माइनस आई भी है सोचने की जरूरत नहीं है आप उठाएंगे किसे क्या आंसर आ रहा बी अरे यार बी लगा रहे हो आप लोग कैसे बेशरम इंसान हो अरे कैसे बेशरम इंसान हो अरे देखो ना ये बना रहा है तो इससे तो इससे ज़्यादा ही एसिडिक होगा ना और एरोमेटिक के साथ साथ वो माइनस एम और माइनस आई भी लगा रहा है पापियो जेड वाले दो आंसर थे जेड के बाद एक्स रखेंगे सबसे कम एसिडिक होगा तो जेड सबसे आगे वाई सबसे लास्ट में बढ़िया 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 हमने काफी अच्छे से तोड़ फोड़ मचाई है एसिडिटी में और मैंने आपको बताया कि आज जो हमारे प्रैक्टिस में क्वेश्चन है फिफ्टी फाइव क्वेश्चन है एंड यकीन मानेंगे दैट इज मोर देन सफिशेंट आप इसको अगर डेडिकेटेडली साथ में कर रहे हैं और इसके बाद आपका आधे घंटे का रिविजन बहुत बड़ी चीज होगी एंड यस अटेंडेंस लगाने की आदत डालिए सीरीज चल रही है क्लासेस मिस मत कीजिए क्लासेस के बाद हाफ एन आवर फोर्टी मिनट्स किसी एक सेशन के लिए जैसे आपने आज जैसे आपकी परसों दो क्लास हुई थी कल दो क्लास हुई तो आप अपने इस सीरीज के साथ डेडिकेटेडली चले इन्हीं का रिवीजन करें आप अगर इनका रिवीजन करते हुए अपने सिलेबस का 60, 70 परसेंट भी फोड़ करके करते हो आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो एंड अच्छी बात क्या है जो भी आप बिना डरे हुए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फाइट मार रहे हो आपको वो ऑलरेडी बहुत लोगों से डिफरेंट कर रहा है ऑलरेडी आपको ना जो दो परसेंट लोग हैं उन दो परसेंट में डाल रहा है आपको बस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और आप टॉप टू परसेंट से बाहर नहीं जाने वाले क्योंकि मेजोरिटी जनता तो डरी हुई है परेशान एनजाइटी एंशियस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो आप ये सोच करके खुद को पॉजिटिविटी दो कि मैंने अगर

हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ भी वही चीज हो रही है बट एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्टिव नहीं बिकॉज नीचे में भी कार्बन है कोई बात नहीं है तो उसी टाइप का फिर यहां पर भी कुछ वैसा ही माहौल है तो किसी भी एक जगह से हम काम कर सकते हैं किसी भी एक हाइड्रोजन पर फोकस कर सकते हैं दोनों सिमेट्रिकली रखे हुए अगर इसकी बात करें तो यहां पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसीलिए यहां पर तो सोचना बेकार है ऐसे मत सोच लेना कि अरे दो दो कार्बोनाइल है तो ये एक्टिव मिथाइलिन नहीं तीन तीन कार्बोनाइल है ये ये और ये तो सबसे एसिडिक होगा अरे भाई यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन निकालोगे कहां से यहां से निकलेगा हाइड्रोजन तो अब इस हाइड्रोजन के लिए तो एक ही कार्बोनाइल है ना कहानी खराब फिर आए यहां चेक किया इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है हा इस हाइड्रोजन इस कार्बन के लिए दिखाई दे रहा है कार्बोनाइल यहां भी है कार्बोनाइल यहां भी है कार्बोनाइल यहां भी है बढ़िया दिखाई दिया अब बताइए जरा रैंक इन दर्डर ऑफ द इनक्रीजिंग एसिडिक सी लिख रहे हैं यानी कि सी को सबसे आगे दिखा रहे लेकिन सी तो सबसे आगे दो ऑप्शन में ए और सी दोनों में फिर सी कैसे आया सी के बाद हम ए को रखें या बी को रखें देखिए बी वाले में अभी मैंने करके दिखाया था एक ही कार्बोनाइल आ रहा है बाजू में यहां पर एटलीस्ट इतना तो हो रहा है ना कि मैं किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जा रहा हूं तो मुझको दो कार्बोनाइल दिखाई दे रहे हैं कम से कम वो तो हो रहा है ना तो सी के बाद मैं ए को रखूंगा ना बी को थोड़ी रखूंगा ये क्वेश्चन वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन क्वेश्चन एडवांस का है और ये रिसेंट इधर के मुझे याद आ रहा है दो हजार का क्वेश्चन है शायद ये 2021 का क्वेश्चन है 2022 हजार बाईस का नहीं दो हजार बीस इक्कीस का क्वेश्चन है और जो आपको जो माइंड मैप बनाया बना करके दिखाया जो पॉइंट्स उसमें लिखे उन्हीं पर बेस्ड है ये और इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां लोग कर जाते हैं बहुत सारी गलत गलत बातें सोच करके आइए चेक करते हैं क्या क्या गलतियां करते हैं लोग सबसे पहले तो आप खुद से काम कर लीजिए ऑप्शंस को देख के खुद ही आप एसिडिटी का ऑर्डर बना लीजिए खुद ही एसिडिटी का ऑर्डर बना लीजिए फिर बातें करते हैं कोई ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन नहीं है यहां पर सारे कार्बन के हाइड्रोजन है सारे कार्बन के हाइड्रोजन है यह याद आ रहा है मैंने कहां पर रखा था

ग्रेटर में चले जाते हैं नॉर्मल एलिफैटिक बट उनके जस्ट ऊपर आते हैं वाटर और साइक्लोपेंटाइन साइक्लोपेंटाइन मतलब यही स्पेशीज ये यह वाला है जो अभी वहाँ एडवांस वाले में भी है। तो यहां पर साइक्लोपेंटाडाइन और वाटर साइक्लोपेंटाडाइन और वाटर में दोनों ऑलमोस्ट के होते हैं वाटर के लिए फिफ्टीन पॉइंट सेवन के, आसपास होती है। के लिए 15 के अराउंड होती है

तो इस साइक्लोपेंटाडाइन को हम बोलते हैं वर्ल्ड मोस्ट एसिडिक अल्केन क्योंकि ये एसपी थ्री कार्बन का हाइड्रोजन है और उसके बावजूद इसकी पीके वैल्यू 15 के अराउंड होती है वर्ल्ड मोस्ट एसिडिक अल्केन पीके वैल्यू 15 के अराउंड अब अब एडवांस के क्वेश्चन में जो कंपैरिजन दिया ना वो क्यों इंटरेस्टिंग है इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पर डाला हुआ ये स्पेशस कौन सा स्पेशस तो तीन बेंजिन रिंग के साथ एक कार्बन तीन बेंजिन रिंग के साथ एक कार्बन तीन बेंजिन रिंग के साथ एक कार्बन इस कार्बन के हाइड्रोजन को अगर तुम हटाओ तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाने पर जो निगेटिव चार्ज आएगा वो तीन तीन बेंजिन रिंग के साथ डिलोकलाइज होगा तीन बेंजीन रिंग के साथ होगा ये ये भी तो, ये भी तो तो अलकेन का ही हाइड्रोजन है है ना का हाइड्रोजन ये भी है। अब देखो अगर मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि साइक्लोपेंटाडाइन वर्ल्ड्स मोस्ट एसिडिक अलकेन है तो वैसे ही इससे ज्यादा एसिडिक हो गया था तो ये भी अल्केन बट इसे तो हमने नहीं बोला वर्ल्ड्स मोस्ट एसिडिक तो मेरे बोलने की वजह से ही तुम वैसे तो डिफरेंशियट कर सकते हो कि अच्छा साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा लेकिन अब आता है पॉइंट पर कि देखो कंफ्यूजन क्या होता है जब तक लोगों को ये नहीं पता होता तो लोग सोचते कैसे यूजल मेथड ऑफ थिंकिंग ये है कि और तीन तीन रिंग है भाई तीन रिंग है तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ये एनायन ज्यादा होगा लेकिन जो बात आप मिस कर रहे हैं जो आप गलती कर रहे हैं वो ये कि इस हाइड्रोजन को हटाने पर जो निगेटिव चार्ज आया उस निगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है लेकिन साइक्लोपेंटाडाइन में आप जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो एरोमेटिसिटी आती है तो बड़ा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया ना है ना हां मैंने ये भी बोला साथ साथ एरो को सबका बाप नहीं बनाना क्योंकि है तो ये फेनॉल से भी कमजोर फेनॉल की पीके वैल्यू टेन है, है तो यह फेनॉल से भी कमजोर अब फेनॉल में भी ऐसा ही कुछ होता है कि आप अगर फेनॉल का हाइड्रोजन हटाएं तो फेनॉल का हाइड्रोजन हटाने से इस हाइड्रोजन को हटाने से एरोमेटिसिटी नहीं आएगी यहां पर एरोमेटिसिटी नहीं आ जाएगी ओ पे माइनस ही आएगा लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल एनायन इसलिए क्योंकि ओ के साथ एच को आप रखे हुए थे और ओ के साथ वाले एच को आप हटा रहे हो ओ का एच ज्यादा एसिडिक होता है सो दैट इज वाई कि ये फिर भी उसको बीट नहीं कर पा रहा है लेकिन इससे तो बेटर है ना वो साइक्लोपेंटाडाइन बिकॉज यहां पर तो नहीं आ रही कोई एरोमैटिसिटी हाँ साइक्लोपेंटाडाइन में आ रही है So कि हम जब advanced कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर देखिए क्वेश्चन कितना हलवा हो जाएगा आपने कर भी लिया था मेरे से तो गलती से आंसर आ गया देखिए चेक करते हैं पूछा गया था इन करेक्ट state, अच्छा, सही बात हाइड्रोजन हटाएंगे आएगा, होगा तो सही बात कॉन्जुगेट बेस ऑफ दंपाउंड फोर कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है सही बात

ये 45 प्लस में होते हैं फिफ्टी के राउंड होते हैं अलकेन और इनफैक्ट क्या आप बेनजीन वाला हाइड्रोजन जब हटाते हैं तो इनकी भी जो पीके वैल्यू होती है इनकी पीके वैल्यू को आप ऐसे समझिए इसके साथ कंपेयर कर देते हैं यहां पर टॉलविन बना देते हैं जरा आप देखिएगा देख रहे हैं। ये भी एक अल्केन है आप अगर इसका हाइड्रोजन हटाते हैं तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में रेजनस में जाएगा बस बट इसकी पीके वैल्यू 43 के अराउंड होती है देख रहे हैं <laughs> कितना ह्यूज है ये तुम कलंक के नाम पर एसिड है सब अगर आप इसी कार्बन के साथ दो बेंजीन रिंग लगाते दो बेंजीन रिंग लगाते अभी पीके वैल्यू 35 के अराउंड आती है और जब आप तीन बेंजीन रिंग बनाते हैं तो पीके वैल्यू भाई थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री के अराउंड आती है ऐसे कुछ आती है मतलब ये सब इतने कमजोर है कहां पर थर्टी प्लस में पीके वैल्यू कहां पर के अराउंड बहुत बड़ा डिफरेंस तो दैट इज कि वैल्यू का ध्यान रखने से ना आपको इतना ज्यादा फायदा होता है आप अच्छे से समझ पाते हो कंपेयर कर पाते हो एसिडिटी को अच्छे से ढंग से कंपेयर कर पाते हो आते हैं आप बेसिसिटी पर भाई बेसिसिटी वाले में भी ये बात हमें पता है के बी वैल्यू ज्यादा होगी बेसिसिटी ज्यादा होगी के भी वैल्यू कम हो जाएगी राइट अच्छा एसिडिटी बेसिसिटी अभी वाला पार्ट खत्म करेंगे तो साइज का जो इफेक्ट होता है उसे भी समझ लेंगे एंड फिर हमारा दी एंड हो जाएगा काफी टाइम आपका आज का बच जाएगा रिवीजन करने के लिए तो आई होप दैट कि आप और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आग लगाएंगे आइए चेक करते भैया बेसिसिटी में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है बेसिसिटी का माइंड मैप देख लीजिए चेक कर देते हैं क्या हमने आगे लिखा हुआ है बनाया हुआ है बना देते हैं देखिए बेसिस में अब आपके साथ साथ बना लेते हैं दा 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 दा। दा दा दा। हो जा बेसिसिटी सिटी के लिए आप कैसे सोचेंगे सबसे पहले ये काम करना है सबसे पहले यह काम करना आपने आपको चेक करना है कि ग्वानिडीन स्ट्रक्चर कहीं दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है यह देख लीजिए जनरल ने नहीं देखा कभी सी डबल बॉन्ड एन एच कार्बन के साथ एक एन एच टू दूसरे साइड भी एन एच टू दिस इज ग्वानिडीन और यह पाया जाता है हमारे आर्जिनिन में बायोमोलिक्यूल में और हमारे जितने भी डीएनए आरएनए वाले बेसिस होते हैं उसमें भी पाया जाता है एजीसीटी होता है ना एडीनाइन ग्वानाइन यूरासिल साइटोसाइन थायमाइन राइट उनमें भी पाया जाता है खैर उसमें नहीं जाते हैं इस पे फोकस करते हैं पहले ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक अमाइन है अगर इस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है मतलब सबसे टॉप पर इसी को रखना है बेसिकिलिटी में जब आपने यह काम कर लिया तो आपकी नजरें जानी चाहिए अब सबसे कम बेसिसिटी कहां पर होती है वहां पर तो ये चेक कीजिए कि नाइट्रोजन का लोन पेर, लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं और अगर रेजोनेंस में है तो आपको पता है सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन कौन करवाएगा तो रेजोनेंस में अगर कार्बोनाइल है ऑक्सीजन अगर आ गया तो ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की डिलोकलाइजिंग पावर 10 कार्बन पर डोमिनेट करती है तो आपने सबसे पहले दिमाग में यह चलाना है कि मुझको ग्वानिटीन दिख रहा है और ग्वानिटीन के बाद मतलब ग्वानिटीन दिखने से फायदा क्या है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी सबसे ज्यादा बेसिक दिखाई दे देगा और सबसे ज्यादा बेसिक अगर दिखाई दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको यही चेक करना है कि भैया अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया एंड पॉइंट भी मिल जाए तो ऑप्शन फाइनली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है क्योंकि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर होता है तो 50 50 ओपी हो जाता है 50 परसेंट ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं पचास परसेंट ऑप्शन में बचे हुए फाइनल आंसर को निकालने के लिए एंड पॉइंट पता चल जाए तो फटाक से अटैक कीजिए कि कहां पर बेसिलिटी सबसे कम होने वाली है तो जहां पर नाइट्रोजन के लोन पर रेजोनेंस में ज्यादा है वहां पर अवेलेबिलिटी कम है ऐसे दिमाग में लगाया कीजिए और एक बार खुद से रफ करके ये काम कर लीजिएगा अवेलेबिलिटी कम जहां पर अवेलेबिलिटी कम लोन पेयर की जहां पर अवेलेबिलिटी कम लोन पेयर की।, की वहां पर डेंसिटी कम जहां पर अवेलेबिलिटी कम वहां पर यार ऑब्वियसली प्रोटोन का अटैक कम होगा और प्रोटोन का अटैक का मतलब कि बेसिसिटी कम है प्रोटोन का अटैक कम होगा राइट तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में और स्पेशली ऑक्सीजन रेजोनेंस में खींच रहा है उसे तो बेसिसिटी वहां पर सबसे कम हो जाएगी ये दो चीजों का ध्यान रखिए बाकी आप और क्या क्या चीजें कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं देखिए ये काम भी कर सकते हैं कि आप अपने लिए लिख लीजिए कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन है ऐसा भी लिख सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और, और नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि हेल्प करेंगे वो प्लस है, मो प्लस हो, प्लस एम हो हो प्लस हो आई सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स और जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है सभी के सभी अपोजिट काम करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते बेसिसी को कम कर देते क्योंकि यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन सही होते हैं वहां पर हमें एच प्लस हटाना होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन पर अटैक करवाना होता है H प्लस हटाना होता है यहां पर H प्लस लगाना होता है डिफरेंस जितने भी C डबल बॉन्ड O हैं, N डबल बॉन्ड O हैं, S डबल बॉन्ड सभी बेसिडिटी को कम कर देंगे साइज का इफेक्ट भी है साइज का इफेक्ट लास्ट में करते हैं पहले ये सारी चीजें कर लेते हैं ओके okay? हा जो आप मिस कर रहे होते हैं ये सारे बेसिक हो गए जो मैपिंग ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो ग्वानिडीन वाली बताई कार्बोनाइल वाली बताई जो आप मिस कर रहे होते हैं वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला पॉइंट सबसे ज्यादा गलती मैंने यहां पर होते हुए देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले में इसको मैं यहां पर इस स्लाइड पर लिख दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन होगी क्योंकि नाइट्रोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा अपने लोन पेयर को देने की टेंडेंसी उसकी सबसे कम होगी तो कैरेक्टर नाइट्रोजन का यानी कि हाइब्रिडाइजेशन देखिए ना माइनस की बातचीत करें तो यहां पर भी पॉइंट लिख देते हैं इन वर्सुमोशन टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन सेम ही चीज है मैंने परसेंटेज की बात की तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है जब उसका परसेंटेज कैरेक्टर हाई होगा नाइट्रोजन का

पॉइंट जो है वो आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे होते हो मिस नहीं करना है ओके okay? चेक करते हैं अप्लाई करके देखते हैं फिर साइज वाला इफेक्ट देखते हैं स्टार्ट करते हैं अरेंज द द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ़ बेसिसिटी जो पहला क्वेश्चन सामने रखा गया बहुत फेमस क्वेश्चन है पीरिडीन पायरोल और एनिलीन uh, तो नहीं है बट मैं इन दोनों का कंपेरिजन कर दे रहा हूं आपको कभी भी डायरेक्टली इसका यूज आपको दिखाई देता रहेगा तो पहले प्रिडीन बनाते हैं देखिए प्रिडीन का गैस प्रिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि अंदर में बेंजीन रिंग है तो यहां तो रेजोनेंस ऑलरेडी हो रहा है बेंजीन रिंग के अंदर तो रेजोनेंस ऑलरेडी हो रहा है ये लोन पेयर फ्री है बट ये जो नाइट्रोजन है वो खुद एस्पिटू है लोन पेयर फ्री है लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है बट नाइट्रोजन है पायरोल की बातचीत करें ये है जहां पर के नाइट्रोजन का में। अगर ये में नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा और याद रखना है कि नॉर्मल रेजोनेंस से कहीं ज्यादा खतरनाक रेजोनेंस होता है वाला। पर के ज्यादा बिजी होगा क्योंकि उस पेयर के अलावा आपको बेसिस बिना आपको एरोमेटिसिटी नहीं दिखाई देगी तो ये लोन पेयर फ्री नहीं है इन रेजोनेंस इन एरोमेटिक रेजोनेंस बोला जाए तो बेटर है एनिलीन की बात करें एनिलीन की बात करें तो इस एनिलीन वाले पार्ट में दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है लेकिन एरोमेटिक रेजोनेंस में नहीं है नॉर्मल रेजोनेंस में क्योंकि उस 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 लोन लोन पेयर पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी नहीं आ रही यहां यहां पर पर का होना के लिए जरूरी नहीं है इनफैक्ट उसके लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी यहां पर जो नॉर्मल बेंजीन की एरोमेटिसिटी है वो गड़बड़ाएगी सो दैट इज वाइक वीक रेजोनेंस है वहां पर या आप उसको नॉर्मल रेजोनेंस बोल सकते हैं अब सबसे ज्यादा बिजी कहां पर दिखाई दिया पायरोल में लोन पेयर सबसे कम बेसिसिटी किसकी है पायरोल की और सबसे फ्री कहां पर है पिरीडीन में तो बेसिसिटी का ये जो ऑर्डर होता है केयर करना बहुत कॉमन है और इसी को थोड़ा सा चेंज करके यहां पर इस क्वेश्चन में डाला है मैंने एक साथ तुमको एक तरह से दो क्वेश्चन दिखाए हैं पिरीडीन पायरोल एनिलीन का केस जो है वो बहुत वेरी कराते हैं अलग अलग रिंग बनाएंगे केस इसी टाइप का होगा आप देख रहे हो एक बार एरोमेटिक रेजोनेंस में डाला एक बार एसपी टू करते हुए रिंग में है लेकिन एसपी टू और लोन पेयर फ्री है तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा उसमें साफ दिख रहा है कि पिरीडीन सबसे आगे आएगा और पिरीडीन के बाद हम किसे डालेंगे तो एनिलीन को और एनिलीन के बाद पायरोल को पायरोल सबसे नीचे आ जाएगा अब आप देखो ये तो वही पिरीडीन है और ये वही पायरोल है तो वन की बेसिसिटी टू से ज्यादा ही होगी तो जहां जहां पर वन ग्रेटर देन टू है उसे उठा लो ये कैंसिल कर दो टू को उठा लो अब इस नाइट्रोजन को देखना वैसे तो पता है और साथ में sp3 भी है और उसके साथ जो कार्बन आइटम जुड़े हुए वो भी sp3 है तो ये परसेंटेजेस वाला पॉइंट बड़ा यूज होता है बहुत बेसिक पॉइंट है बट बहुत गलतियां होती है तो सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि थर्ड ही होने वाला है और थर्ड के बाद हम वन को लगाएंगे राइट बढ़िया आ गया, समझ? चलते हैं आगे बढ़ते। हैं। यहां पर सबका है। आपने फिर से वही काम करना है नाइट्रोजन का लोन sp2। कहा एसपी थ्री एंड फ्री दोनों यहां पर नाइट्रोजन एसपी थ्री है बट ऊपर में माइनस आई है और यहां पर खैर यहां पर तो एरोमैटिक रेजोनेंस में तो पता है आपको कि फोर्थ की बेसिसिटी सबसे कम होने वाली दो ऑप्शन छट गए सबसे ज्यादा बेसिक उठा लो जहां पर माइनस आई नहीं है वही सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा कौन सा उठा रहे हो आप फटाफट फड़ बता दो क्योंकि एसपी टू वाला जो है वो क्या ला रहे हो sp2 वाला जो है वो नीचे चला जाएगा जो sp3 वाले वन और थ्री ऊपर आ जाएंगे तो वन और 3 कहां दे रहे Last option है ऊपर okay? चक। में 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 बताओ अरे थोड़ी तो डालो कहा बढ़ जाए आगे चले चेक करते बढ़ते आगे करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज यहां पर करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछा गया है तो इसी जगह पर मैं एस आई पी डिस्कस कर देता हूं आपसे स्टेरिक ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन है क्या इसे शॉर्ट में हम एस बोलते हैं और इस एसआईपी में जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो क्या है स्टेरिक मतलब ड्यू टू साइज इनिबिशन मतलब के भाई कम कर देना रोक देना कम कर देना प्रोटोनेशन प्रोटोन proton के अटैक को तो प्रोटोन का अटैक साइज की वजह से अगर कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एस आई पी और ये जो इफेक्ट है ये बेंजीन रिंग में होगा सिर्फ बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन से तो इसके लिए एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है मस्ट कंडीशन है भैया मिस्ट मत पढ़ लीजिएगा मस्ट कंडीशन है क्या है भैया मस्ट कंडीशन बेंजीन रिंग पोजीशन बेंजीन रिंग एंड ऑर्थो ये दो चीजें जरूरी है और बेंजीन रिंग ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पर बल्कि ग्रुप जो के अटैक हो क्योंकि साइज की बातचीत हो रही है ना स्टेरिक इफेक्ट है साइज का इफेक्ट है तो बल्कि ग्रुप से जो ये काम कर पाते हैं अब कई सारे स्टूडेंट बल्कि स्मॉल ग्रुप में डिफरेंस ही नहीं समझते हैं आंखों से देखने से तिरछी नजरों से देखने से जो भी बड़े साइज के दिखते हैं बस बोल देते हैं वही बल्कि है। ऐसा नहीं स्मॉल और बल्कि को पहचानिए हम इसी के बहाने इस स्टेडी की इनिविशन ऑफ रेजोनेंस भी पढ़ेंगे एस आई आर भी तो एस आई आर पढ़ने में और ज्यादा बल्कि ग्रुप को पहचानना जरूरी हो जाता है तो स्मॉल ग्रुप्स को पहचानिए तो स्मॉल ग्रुप्स हैं एस आई पी एस आई आर के लिए एनएच टू ओ एच फ्लोरिन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम कुछ कैसे भाई सी एस टू प्लस का भी डिस्कशन कर लेते हैं जबरदस्ती काम तो सारा का सारा इतने ही सही हो जाता है इन से तो ये सारे स्मॉल है एस आई आर के लिए एस आई पी के लिए इन दोनों के अलावा जितने भी होते हैं सभी बल्कि होते हैं इनके अलावा जो भी ग्रुप्स दिखाई दे सब बल्कि ग्रुप्स होते हैं अब ध्यान रखना है कि ये जब एस आई पी का डिस्कशन होता है तो वो एन एच टू के रेस्पेक्ट में होता है क्योंकि आप तो नाइट्रोजन के लोन पेयर का डिस्कशन कर रहे हैं ना तो अगर आपने एस आई पी पहचानना है

माइनस एम और माइनस आई भी है लेकिन एस आई पी है यानी कि ऑर्थो पर बल्कि ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू तो एन टू तो एस आई पी है और जहां जहां एस आई पी है वहां पर बेसिसिटी वैसे ही कम हो जाएगी क्यों कम हो जाएगी भाई इसलिए क्योंकि आपने बल्कि ग्रुप लगा करके देखिए यह काम कर लिया है जहां पर पहले जहां पर पहले एनएस टू पर एनएसू के लोन पेयर पर एच प्लस का अटैक बड़ी आसानी से हो रहा था प्लस पर अटैक बड़ी आसानी से हो रहा था वहीं पर अब अगर आप अटैक कराने जाए अगर यहां पर बल्की ग्रुप है और अब अगर आप अटैक कराने जाए अब इस बल्की ग्रुप की वजह से इस H प्लस का आना मुश्किल हो गया साइज का थोड़ा सा भी डिफरेंस या किसी भी बल्कि ग्रुप का बीच में आ जाना या कुछ ग्रुप्स का बीच में आ जाना मॉलिकल्स के अंदर जो रिएक्टिविटी में बहुत बड़ा असर डालता है ये सब मत सोच लेना कि इधर भीड़ बढ़ गई है तो गाड़ी घुमा करके इस साइड से चले जाएंगे ऐसे नहीं होता है ये ट्रैफिक नहीं है तुम्हारा कि तुम इधर से उधर से घूम घाम करके निकल जाओगे समझे ये जो एच प्लस है उसके लिए इनके नखरे बहुत होते हैं इनको थोड़ा सा भी सामने सामने अगर आपको दिखाई दिया कि कोई साइज का इफेक्ट आ गया कोई ग्रुप आ गया बस इनके नखरे शुरू हो जाते हैं और इनकी रिएक्टिविटी में बहुत कमी आ जाती है काफी डिफरेंस आ जाता है तो ये जो साइज ये जो बल्कि ग्रुप्स है ये डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं भाई यहां यहां पर rate अगर R2 है, पर रेट रेट अगर है तो आर वन ग्रेटर समझे एच प्लस का अटैक अपने आप कम हो जाता है तो एस आई पी की वजह से आप देखिए Q और S को सबसे नीचे रख लीजिए Q और S कहां पर सबसे नीचे है यहीं पर सबसे नीचे एक तो ऐसे ही आंसर निकल जाएगा फिर उसके अलावा और आपको अगर कंफ्यूजन है R और P में कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन भी खत्म कर लीजिए देखिए आर और पी में साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये दे तो रहा है एस आई पी लेकिन कुछ भी हो जाए ये प्लस एच ग्रुप है ना यहां पर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो हाइपर कंजुगेशन देगा और इफेक्ट देगा जबकि एन टू क्या देगा माइनस एम और माइनस आई तो Q और S की बात करें तो Q ज्यादा ही बेसिक होगा S से क्योंकि एटलीस्ट S में S में क्या है इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप का मैं हालांकि दोनों में I P जरूर है, okay. है. Ring, सब में नहीं दिख रहा है तो मैं क्लैरिटी थोड़ा सा रेड कलर से दे रिंग है हर जगह बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन हर जगह बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन है यहां पर n के साथ ch3 है दो और नीचे में o ch3 एक डोनर ग्रुप लगा हुआ है एसिडिटी बढ़ जाएगी इसकी वजह से साइनाइड और ओएच OH वैसे तो लगे हुए हैं मेटा पोजिशन पर बट स्टिल उनका माइनस आई तो काम करेगा ही अगर माइनस एम काम नहीं करेगा तो माइनस आई काम करेगा और ओएच OH का प्लस एम काम नहीं कर पाएगा क्योंकि मेटा पोजिशन पर है तो अगर बात करें डोनेशन की तो सबसे अच्छा डोनेशन वन में है और इसीलिए जो वन की बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा होनी राइट ना बट पी केबी वैल्यूज बोला था तो के बी वैल्यूज का जस्ट उल्टा कर देंगे बेसिसिटी जहां पर ज्यादा होती है वहां पर बेसिसिटी सबसे कम कर देंगे इस बेसिस पर दो ऑप्शन को हटा देंगे क्योंकि ये तो के बी वैल्यूज के हिसाब से ये तो वैसे भी नहीं होगा फिर अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें सबसे बेकार अगर बेस की बात करें तो थर्ड वाला साइनाइड वाला है साइनाइड के माइनस आई की वजह से बेसिलिटी सबसे कम हो जाएगी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये वाला क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और रिवीजन के लिए मैं इसको स्टार इस मार्क कर रहा हूं बेहतरीन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन अच्छे लेवल पर भी और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के लिए भी बड़ा जरूरी है कीजिए ट्राई इसमें सारी बातें मतलब ये अकेला वो क्वेश्चन है जिसमें ऑलमोस्ट सारी बातें मिक्सड है ऑलमोस्ट सारी बातें जो भी बेसिसिटी के लिए होती है वो यहां पर डाली हुई है और बताइए पी वाई क्यू का सेक्शन आने, वाल, आने वाला है इसके बाद चलेंगे पी वाइ क्यों सॉल्व करेंगे अरे भैया ये तो जेमिंग्स पी वाइ क्यों तो है ठीक है कहां पर है अच्छा ये है ये है ये है ओके डन कर लिया कहां दिखाई दे रहा है आपको ये बताओ तो हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कर कर लिए लिए ये पता चला आपको 40 -45 कर अभी में भी दस बारह क्वेश्चन है वो भी फोड़ते हैं उसके बाद आपका टेस्ट योर वाला सेक्शन रहता है उसको जरूर बना लिया करो पिछले बार भी था टेस्ट योर कितने लोगों ने बनाया था एक बार चैट बॉक्स में बताना तो सच्चाई और आज डे थ्री है तो खत्म होने के बाद सेशन खत्म होने के बाद हमारी पीवाई क्यू वाला सेक्शन आने वाला पीवाई क्यू वाले में आपको सॉल्विंग करनी है 2022 के पी वाई क्यूज रखे में उसको एज अ टेस्ट लेना है ज्यादा पीछे के पी वाई क्यूज नहीं किए 2022 वाले करंटली उठाए हैं क्योंकि वो पी वाई क्यूज आप खुद भी करो और अलग से आगे भी हमारे चांसेस है ना कि आगे भी हम पी वाई क्यू के सेशन वगैरह करेंगे तो उसमें भी करेंगे अभी के लिए है क्या कि सॉल्विंग करो और फिर एज अ टेस्ट देख लो पी वाई क्यू वाले सेक्शन को कि कितने हो पा रहे हैं बाकी सेशन खत्म होता ही अपना अटेंडेंस जरूर लगा करके जाएंगे कमेंट्स में यहां तो चैट में पता नहीं चलता उतना ना पता तो चलता है बट हाँ बहुत ध्यान से देखना पड़ता है हम आप लिख के जाते हैं तो ज़्यादा दिख जाता है सबके नाम के साथ मैंने लास्ट टाइम रिप्लाई भी किया था काफ़ी सारे लोगों को स्पेशली रिप्लाई किया था दिल से भर भर करके प्यार से रिप्लाई किया था तो अटेंडेंस जरूर दे के जाएंगे कमिटमेंट जरूर दिखाएंगे और रिवीजन की प्रॉमिस करके जाएंगे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है अकाउंटेबिलिटी समझते हैं अंग्रेजी कमज़ोर है मेरे जैसी तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी आप जब लिख करके जाते हैं बॉक्स में यस दोस्त रिवाइज करेंगे तो आपको अंदर से एक नॉक मिलता है अंदर से आवाज़ आती है कि यार हाँ

जरूर बता करके जाना सेशन खत्म होने के बाद कमेंट्स में कितने लोगों को एसिडिटी बेसिसी एस में बहुत मजा आया बिकॉज बहुत कोशिश की है एसिडिटी और बेसिसिटी यहां पर जो भी चीजें आपको बता रहे हैं वो अप टू तो एडवांस लेवल तक आपने सीख लिया है पता नहीं चला होगा बट ये क्वेश्चन भी वैसे ही बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन हैं बहुत प्यार से चूँकि आपको तरीके पता चल गए तो भले ही आसान लग रहा होगा लेकिन लोग बहुत गलतियां करते हैं तो जरूर बता के जाना उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी आएगी कमेंट्स में जरूर लिख के जाओ सो दैट के मैं भाई और ज्यादा डबल एनर्जी के साथ नेक्स्ट सेशन में आऊँ और ज्यादा ऐसे ही आपके लिए माइंड मैप अच्छे से बनाकर लाऊं सो so दैट आप कम समय में और ज्यादा अच्छे से रिविजन कर पाए तो थ्री के बाद किसको भाई बताओ जल्दी फोर को रख दें क्योंकि फोर में लोन पेयर फ्री है sp3 नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन कार्बन लोन पेयर फ्री सारी चीजें जो बेसिसिटी को बढ़ाती है राइट डन है भाई तो वही आंसर आ गया अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई इन करेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेंस्ट इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है अब यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन से पहले आपको एक चीज हम बता दें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एस आई पी और एस आई आर दोनों में डिफरेंसेस दिखा देते हैं आपको बता देते हैं तो सारे लोग ध्यान दीजिएगा एस आई पी तो आपने देखा है और आपको स्मॉल ग्रुप्स बता दिया है तो एस आई आर देख लीजिए क्या होता है पहचान लीजिए एस आई आर को भी स्टेरिक स्टडी ऑफ रेजोनेंस इसमें स्टेरिक वर्ड का क्या मतलब है ड्यू टू साइज क्या कर रहे हैं आप ड्यू टू साइज हो क्या रहा है ड्यू टू साइज ड्यू टू साइज कमी किस बात की कमी रेजोनेंस की कमी अच्छा रेजोनेंस की कमी से एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है भाई हाइड्रोजन हटा करके जब एनायन बनाते हैं हम तो अनायन की एसिडिटी अनायन की स्टेबिलिटी इसी बात पे तो डिपेंड करती है कितना रेजोनेंस हो रहा है ये इफेक्ट भी ऑर्थो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है इसलिए क्योंकि इस इफेक्ट में भी यही चीज होती है कि बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन से बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोरिक एसिड मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म्स में डिस्कशन होता है एसआईआर का जैसे वहां पर एनएच2 के टर्म्स में होता है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में बट कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा सल्फोनिक होता सल्फोनिक के के में भी हो सकती है सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाजू में एक इसे समझने की कोशिश करना जब कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला होता है तो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा ग्रुप है एक माइनस एम ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन पार्ट है उसमें तो माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इस कार्बोनाइल का पीजेड एटमिक ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के पीजेड एटमिक ऑर्बिटल के साथ पैरल होता है जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है दोनों के बीच में और यहां से जो बेंजीन रिंग प्लस एम के रूप में बिहेव करता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है किसे इस कार्बोनाइल को कार्बोक्सिलिक एसिड के जो माइनस एम के रूप में बिहेव करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड की जो भूख है इलेक्ट्रॉन की वो बड़ी आसानी से पूरी हो रही होती है और बहुत खुश होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन क्या हा 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 मुझे तो टेंशन ही नहीं है जिंदगी एकदम जबरदस्त चल रही है जकास बहुत आराम से प्यार से मुझको बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मिल जा रही है मैं तो माइनस एम हूं मैं तो इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेते रहता है बेंजीन से जीवन यापन एकदम मस्त चल रहा है अचानक से इनकी जिंदगी में विलेन आता है यह सिचुएशन बन जाती है ऑर्थो पोजिशन पर मतलब अचानक से तो नहीं मतलब वही कि प्लानिंग के साथ आता है ऑर्थो तो पोजिशन पर बल्कि ग्रुप लगाया जाता है यह बल्कि ग्रुप इस ग्रुप के साथ रिपल्शन रखता है यह खुद भी बल की है एस में दोनों ग्रुप बल्कि होते हैं जिस ग्रुप के रेफरेंस में आप काम कर रहे हैं और जो ऑर्थो तो पोजिशन पर ग्रुप लगा हुआ है दोनों ग्रुप बल्कि होते हैं एस आई पी आपने देखा उसमें दोनों ग्रुप बल्कि नहीं होते एक ग्रुप बल्कि होता है तो छोटा होता है ना वहां पर तो इस ग्रुप की वजह से इस रिपल्शन की वजह से यहां जो रिपल्शन होता है इस रिपल्शन की वजह से इनका एटमिक ऑर्बिटल अब पैरेलल नहीं रह जाता है बेंजीन रिंग के बेंजीन रिंग के इस एटमिक ऑर्बिटल के साथ जो पैरेलल कंडीशन होती है वो खराब हो जाती है आपको पता है रेजोनेंस के लिए जो पैरेलल पिज़ो डाइट में ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल एंड कंटीन्यूअस पढ़ा था आपने तो पैरेलल एंड कंटीन्यूअस वाली जो बात है ना वो खत्म हो जाती है पैरेलल एंड कंटीन्यूअस नेचर मतलब तो बेसिकली पैरेलल नेचर बोला जाए वो खराब हो जाता है पैरेलल नेचर खराब अब खराब हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ रेजोनेंस कम हो गया अब रेजोनेंस अगर कम हो गया तो आप ही सोच करके देखो रेजोनेंस कम होने से क्या हो गया रेजोनेंस कम होने से इसको इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा था वो कम हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी इस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से अब इलेक्ट्रॉन इसे कम मिल रहा है तो अब इसके अंदर वो पागलपन वो चिड़चिड़ापन वो टेंशन आ गई कि भाई अब मेरे को जो पहले जिंदगी जो मस्त चल रही थी अब नहीं चल रही अब मेरे को इलेक्ट्रॉन कम मिल रहा है अब अगर इलेक्ट्रॉन कम मिल रहा है तो यह अब इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कैसे करेगा एक रास्ता है। हाइड्रोजन को लात के सभी अत्याचार करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर हो गया हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ गई H+ प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ गई क्यों बढ़ गई H+ प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज क्यों इंक्रीज है भाई प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी इसलिए बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले आसानी से मिल जा रहा था बेंजीन से अब से से आसानी इलेक्ट्रॉन से नहीं मिलेगा और नहीं मिलने की वजह से ज्यादा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसके अंदर टेंडेंसी बढ़ गई हाइड्रोजन को रिलीज करने की तो इसीलिए जब कभी भी आपको कार्बोक्लिक एसिड के ऑर्थोपोजिशन पर बल की ग्रुप से दिखाई दे समझ जाना है कि वहां पर एस होने वाला है अब अगर आपको इस पर कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ठोक दे रहे देख लीजिए एग्जाम्पल तनाटन तरन हो जाएंगे आप ये लीजिए जरा चेक कीजिए तो क्या यहां पर एस आई आर है बिल्कुल है देखिए मिथाइल स्मॉल ग्रुप्स आपने नोट डाउन किया पीछे नोट डाउन करा दिया था एस आई पी के टाइम पर ही फ्लोरिन एनएच टू ओ एच हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम यह सब स्मॉल ग्रुप्स है मिथाइल दिखाई दिया बल्कि ग्रुप एस आई आर प्रेजेंट है इसकी एसिडिटी नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगी आप जितना बल्की ग्रुप लगाएंगे ऑर्थोपोजिशन पर उतना ज्यादा एस आई आर होगा और ज्यादा एस आई आर जितना ज्यादा बड़ा बल्की ग्रुप लगाएंगे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया लीजिए खतरनाक रिपल्शन और खतरनाक एस आई आर है ना जरा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप एसिडिटी का ऑर्डर बताइए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कंपेयर कीजिए अब माइनस आई नहीं लगा देना सारे हेलोजन फ्लोरीन को छोड़ करके बल्कि ग्रुप है अब अगर ये बल्कि ग्रुप है देखो सेशन खत्म होने वाला लाइक अभी भी एक हजार नहीं हुआ छोटा हो रहा दिल मेरा क्या मैं आप लगेगा जितने लोग रिकॉर्डेड देखने वाले भाई वो ठोक करके लाइक को जो एक हजार पहुंचा देना साइज का इफेक्ट लगाएंगे साइज बढ़ रहा है चेक कीजिए साइज बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है एस आई आर बढ़ रहा है एस आई आर इंक्रीजिंग अगर एस आई आर इंक्रीज कर रहा है तो एसीडीटी इंक्रीज करेगा एस आई आर और एसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी बेसिस पे आइए फोड़ते हैं इस क्वेश्चन को चलिए फोड़िए बताइए मुझे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेंस्ट देर इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज

क्योंकि ऑर्थोपैरा वाला माइनस एम माइनस आई देगा ये तो माइनस एम भी नहीं देगा यहां एस आई आर नहीं है, या है। सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं है और यहां पर माइनस एम भी नहीं है।, CHCL3, CHF3, स्ट्रेंथ है ये तुम सोचोगे यहां आप मुझको बता दो नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन डिलोकलाइज कर रहा है बेसिसिटी इसकी अच्छी है करेक्ट लग रहा है ये तो फिर यहां पर साफ दिख रहा है NO2 और I. देखो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल थोड़ा इसको मैं यहां पर इस वाले डायग्राम को यहां बना ले रहा हूं NO2 ओ टू लगाए देख रहे यहां पर एनएच लगा है पहला डायग्राम अगर आप देखेंगे ना तो NO2 और NH2 है तो NH2 का जो लोन पेयर है उसको खींचने का, का काम बड़े प्यार से ये कर ले रहा है NO2 माइनस एम और माइनस आई लगा करके राइट और स्पेशली इसमें बड़ा इफेक्ट कौन सा माइनस एम है मैं। तो यहां पर तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को खींचने का काम बहुत अच्छे से कर ले रहा है एनो टू लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर बल्की ग्रुप लगाया ना आयोडीन इस बल्की ग्रुप ने क्या कर दिया इसको रिपेल करना शुरू कर दिया एनो टू को और अब एनो टू माइनस एम और माइनस आई ढंग से नहीं लगा सकता रिपल्शन की वजह से रिपल्शन की वजह से एनओ टू का रेजोनेंस चूंकि एनओ टू पर एस आई आर लग रहा है देखो मैकेनिज्म को एस आई पी एस आई आर माइनस है माइनस आई सब मिक्स कर दिया बड़े प्यार से तो दैट इज वाई बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो जो एनओ टू और I है इनके बीच में एस आई आर टाइप की कंडीशन हो गई रिपल्शन की वजह से एनओ टू का एनओ टू पर एस आई लगने लगा एनओ अब कम रेजोनेंस कर रहा है कम रेजोनेंस कर रहा है का क्या मतलब है माइनस एम कम लग रहा है उसका माइनस एम एनो टू का कम हो गया माइनस एम एनो टू का कम हो गया जिससे जहां पर वो एन एच टू से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा था और बेसिसिटी को कम कर दे रहा था अब एनएच टू के पेयर पर एनो टू का इफेक्ट कम हो गया समझे तो जैसे ही NO2 टू का इफेक्ट NH2 टू के लोन पेयर पे कम हो जाएगा NH2 टू पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम तो बेसिसिटी इसकी ज्यादा होगी ना यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट क्यों नहीं है कुछ लोग सोच रहे होंगे सी थ्री है तो फ्लोरीन का माइनस आई अच्छा काम कर रहा होगा लेकिन आपसे एक गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई कि आप भूल गए कि अगर आप CCl3 बना रहे हैं ना तो CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन माइनस ये सोचेंगे अरे यार, यार चार्ज है ना ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तीन फ्लोरीन वाला ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसे तो ज्यादा बेसिक होना चाहिए लेकिन आप गड़बड़ करके वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है यहां क्लोरीन थर्ड पीरियड का आइटम है वैकेंट ऑर्बिटल है तो बैक बॉन्डिंग है फंस गए CCl3- ज्यादा स्टेबल होता है तो CHCl3 ज्यादा एसिडिक होता है गड़बड़ मत कर देना इसीलिए मैंने B को छोड़ा था B और D दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग थे आया मजा बहुत मजा आया एकदम जबरदस्त प्यारा एग्जाम्पल प्यारा क्वेश्चन तो अब इतना प्यारा क्वेश्चन कर लिया तो लीजिए चलते हम हमारा समय आ चुका है कि हम पी वाई क्यू से टेस्ट करें तो इसको एज अ मॉक टेस्ट लीजिए एनर्जी हाई कीजिए ट्राई एज अ मॉक टेस्ट आप जब इसको रिवाइज कर रहे हो अभी तो मेरे साथ भी आप खुद से ट्राई कीजिए और सारे लोग इस सेक्शन को 2022 के क्वेश्चन की जो कितनी प्रिपरेशन हमने कर ली है तो सारे लोग एक काम करेंगे कि अभी जैसे जैसे सॉल्विंग करेंगे वैसे वैसे सारे लोग काम करेंगे अपने स्कोर बताएंगे ठीक है मोर देन सफिशियंट फॉर जे मेन से दोस्त नहीं हो पाएगा 96-97 परसेंट लोगों से ये सेशंस जो हो रहे रुद्र सीरीज की वो भी नहीं हो पाएगी सिंपल चीज़ें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं तुम्हारी कंसिस्टेंसी सिंपल चीज़ें बोरिंग भी है लेकिन वही बोरिंग चीजें जो दूसरों के लिए बोरिंग हैं उसे रिपीटेडली जब तुम करते हो तो तुम एक्स्ट्राऑर्डीनरी रिजल्ट बनाते हो दूसरे लोग बोर होकर के छोड़ दें तो अच्छी बात है <laughs> सारे सिंपल चीज़ें सारे वो चीज़ें जो हर दिन तुमको करनी होती हैं इंसान को बोर करती है उनसे नहीं हो पाता है बजाय इसके कि आप ये पूछो कि सर यह सफिशियंट वो सफिशियंट है आप करना शुरू करो आप करते कम हो आप पूछते ज्यादा हो ये थोड़ा सा हार्ड ट्रूथ है थोड़ा आपको लगेगा दिल पर पर वो कड़वी सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करो ओके ट्राई एज अ मॉक टेस्ट तो जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो टाइम वॉन्टेट करेंगे और तो तैयार है आप अपना स्कोर बताएंगे दस बारह क्वेश्चन यहां पर दो के

तो बेसिकली अमाइंस जो होते हैं वह ब्रॉसटेड बेस भी हैं और लुइस बेस भी है राइट दोनों तरह से तो आपको बेसिकली बेसिसिटी चेक करनी है और कुछ और तो करना है नहीं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर आप जहां जहां पर फ्री देख रहे हैं वहां पर आपको बेसिसिटी ज्यादा दिखानी और क्या फोड़िए आग लगाइए बताइए कहां पर आपको बेसिसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है तो भैया क्या दिख रहा है हमें लीजिए भाई हो गया हाँ तो अब थोड़ा सा देख करके कोई बताएगा मुझको चल क्या रहा है क्या आ रहा है यहां पर डी हाँ? वाला क्यों आ गया भाई ए वाला क्यों नहीं आया बोले दो ओह यहां पर दो चीजें हैं देखेगा इसे मैं अमाइन इनवर्जन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर रहा हूं बिना उसके भी एक्सप्लेन कर रहा हूं दोनों तरह से समझिएगा एक तो देखिए जब आपके पास ना ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है डोनर 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 हर 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 तरफ 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 से 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 है है लेकिन जो कलेक्टिवली ये मजेदार इसलिए क्योंकि नई चीजें इसमें तो अच्छे से समझिएगा एक आसान रास्ता है समझने का जो मैं अभी बता रहा हूं एक थोड़ा सा हार्ड रास्ता है जो अमाइन इनवर्जन वाला वो भी सुन लीजिएगा तो यहां पर क्या चल रहा है आप जब ओपन चेन इस तरह से रखते हैं ना तो कलेक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है लेकिन जैसे ही आप रिंग बना लेते हैं ना देखिए ये भी डोनर है ये भी डोनर है ये भी डोनर है और सभी जुड़े हुए भी हैं। तो जो कलेक्टिव डोनेशन है वो हमेशा रिंग में ज्यादा होता है आप इसको ब्रिज हेड तो नहीं मान रहे क्योंकि ब्रिज हेड पर एसपी टू अलाउड नहीं है और एसपी टू कभी होने वाला नहीं है यह ये डोनेट भी कर देगा तभी है और डोनेट नहीं भी कर रहा तभी पर एसपी थ्री है कोई फर्क नहीं पड़ता तो ब्रेड्स रूल वायलेशन नहीं है यहां पर ये मत सोच लेना मेजोरिटी लोग इसको वैसे ही सोच करके छोड़ रहे होंगे तो एक नई चीज आपने क्या सीखी कि ओपन चेन इस तरह से रहता है और ऐसे रहता है रिंग में तो वो डोनेशन ज्यादा अच्छा होता है हमेशा कलेक्टिव जो डोनेशन है वो हमेशा ज्यादा पाया जाता है एक तरीका दूसरा कभी भी जब भी आपको नाइट्रोजन दिखाई देता हालांकि ये जो अमाइन इनवर्जन वाला पॉइंट है हम एडवांस के लिए रखते हैं हालांकि आज के टाइम पर इंपॉर्टेंट नहीं हो गया क्योंकि एडवांस का भी सिलेबस जो है बहुत हद तक अलाइंड हो गया है अभी आपको लास्ट के दो तीन साल में वही दिखाई दे रहा बट स्टिल बता दें कि नाइट्रोजन जितने भी किस होते हैं सारे अमाइंस के अंदर एक प्रॉपर्टी चूंकि ये छोटा आइटम है सेकेंड पीरियड का आइटम है और सेकेंड पीरियड के आइटम्स में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी ऑक्सीजन से कम है तो नाइट्रोजन का बिहेवियर लोन पेयर वाले आइटम में सेकेंड पीरियड वाले आइटम में ऑक्सीजन से डिफरेंट है फ्लोरीन से डिफरेंट है फ्लोरीन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी हाई होती है ऑक्स नाइट्रोजन की नीचे होती है पॉलिंग स्केल पर भी बात करें तो फ्लोरीन की फोर है ऑक्सीजन की थ्री पॉइंट फाइव नाइट्रोजन की थ्री है क्लोरीन के अप्रोक्स होती है नाइट्रोजन की तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना ये अपने आप को डिलोकलाइज करते रहता है डिलोकलाइज कैसे करता है ऐसे डिलोकलाइज करता है देखना ऐसे डिलोकलाइज करता है यहां से यह पेयर डिलोगलाइज होकर के इस साइड आता है जिस वजह से जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इस साइड आता है मूव करके तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये मिरर इमेजेस बन गए ये डिलोगलाइजेशन नाइट्रोजन के कंफिगुरेशन को अगर काइरल नाइट्रोजन होता यानी कि चार डिफरेंट ग्रुप्स होते तो ये चेंज इन कंफिगुरेशन बिल्कुल

जे एडवांस में प्रीवियसली पूछे गए हैं जैसे कि आपको इतिहास में बताएं तो ग्वानिडीन आपको अभी सिखाया लास्ट के दो तीन साल चार सालों में ग्वानिडीन दिखने लगा है मेन एडवांस दोनों में पहले जय एडवांस में दिखा फिर जय मेन में डाल दिया दो साल बाद बट तीन चार साल पहले से पता आपको बीच में ग्वानिडीन से रिलेटेड कोई डिस्कशन जय एडवांस में भी नहीं हो रहा था बीस साल पहले ग्वानिडीन आया था बीच में आया ही नहीं आया नहीं फिर अचानक से तीन चार साल पहले से पूछना शुरू कर दिया ये हरकतें करते बट ग्वानिटीन का इसलिए पॉइंट बनता है इसलिए क्योंकि वो biomolecules में बायोमोलिक है दिखाई देता है वो एनसीआरडी में दिखता है तो ग्वान का पॉइंट बनता है अमाइन का पॉइंट नहीं बनता क्योंकि वो दिखता नहीं है कहीं भी बट स्टिल एक एंगल ये भी दिखा दिया आपको कि अमाइन इन्वर्जन होता है ऐसे में क्या होता है देखो लोन पेयर मूव कर रहा है ना डिलोटलाइज कर रहा है तो लोन पेयर अगर किसी भी तरह के डिजिटलाइजेशन में होगा तो फिर बेसिसिटी के लिए अवेलेबल कम होगा ना डोनेशन के लिए अवेलेबल कम होगा तो फ्री जब कार्बन चेन फ्री होती है ना तो ये चीज ज्यादा होती है अभी कार्बन चेन फ्री नहीं है तो अमाइन इन्वर्जन कम है अमाइन इन्वर्जन कम होने का मतलब कि नाइट्रोजन का लोन पेयर बिजी कम है अगर बिजी कम है तो डोनेशन के लिए अवेलेबल ज्यादा है सो दैट इज वाई कि अमाइन इन्वर्जन के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते बट मैंने आपको और भी आसान रास्ता बताया कि कार्बन चेन जब ऐसे क्लोज होती है रिंग में होती है तो ज्यादा अच्छा डोनेशन देती है तो ये एक अच्छी चीज थी जहां आपने सीखा इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइडामाइड में समझ रहे कार्बोनाइल के साथ एनेस पाया जाएगा ऐसे होगा कार्बोनाइल के साथ और एक जगह एनिलीन है जहां पर के के साथ NH2 है तो डबल नहीं है अब आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए चेक कीजिए देखिए सेकंड स्टेटमेंट इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन आइटम रिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस लेस अवेलेबल टू अ प्रोटोन एनिलीन के बारे में बोला जा रहा है सिडमाइट के बारे में नहीं चेक कीजिए बताइए एनालिटिस लेस बेसिक डायनेसिडमाइट पहले तो ये स्टेटमेंट चेक कीजिए अगर यही स्टेटमेंट फॉल्स निकल गया फिर तो क्या सोच नहीं क्या हाँ वाह कुछ लोगों ने क्या एसपी कर लिया क्या बात है पढ़े

एंड एट द एंड जरूर कीजिएगा टोटल मार्क्स बताइएगा या टोटल सही नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द लेस स्टेबल ये स्टेटमेंट वन है द स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन द लाइट ऑफ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दस गिवन बिलो कीजिए मैं सामने नहीं हूँ स्क्रीन पर साइड से बोल रहा हूं सो दैट आप अच्छे से विजिबिलिटी ले पाइए क्वेश्चन की और देख पाइए और आंसर कर पाइए कीजिए फटाफट बताइए लाइक्स ठोक करके एक बार पहुंचाइए पाप लगेगा नहीं तो जल्दी कीजिए ठोक दीजिए जल्दी 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 क्या ला रहे हैं स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट और ऐसा मत कीजिएन अब इसमें दो बातें देखिए लेस स्टेबल देन अलकेन अगर ये वर्ड्स बोले जा रहे हैं ना तो आप ऐसे सोच करके देखिए ना देखिए ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये हाइड्रोजनेशन में जाएगा अल्केन बनाएगा इस रिएक्टिविटी से आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिएक्टिव ज्यादा है जो रिएक्टिव ज्यादा है वो इस रिएक्शन के बेसिस पर तो कम स्टेबल है ना हमें तो ढूंढना था बहाना जिससे समझ में आए कि पाई बॉन्ड को बहाना बना करके तुम ये बताओ कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस स्टेबल होगा तो सही है गलत का है। आप सेकेंड पॉइंट तो वैसे ही सही था क्या सही था स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर तो एज अ कलेक्टिव डबल बॉन्ड तो स्ट्रेंथ में ज्यादा है ना लेकिन रिएक्टिविटी की बात करें तो वो तो एसिडिटी यहां पे एसिडिटी का डिस्कशन चल रहा है तो एसिडिटी मत मिलाइए यहां पर आप एसिडिटी साथ में मत मिलाइए ऐसे कंफ्यूज कराइए खुद से पूछा ही नहीं गया वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर आइए देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है लेकिन वो बॉन्ड बनाता है कार्बन के डेल्टा प्लस के साथ एच प्लस के साथ नहीं अगर वो एच प्लस के साथ बनाएगा तो वो बेस हो जाएगा तो एच प्लस के साथ नहीं बनाना है न्यूक्लियोफाइल कार्बन के के डेल्टा प्लस साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन ज्यादा सही है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है आपको चेक कीजिए बताइए ज्यादा अच्छा डोनर कौन है कार्बन के साथ कौन ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा ए सी ए सी ऐसे चल रहा है एन सी ए एन सी चलिए आइए बढ़ रहा है आगे चेक करते हैं देखिए तो करेक्ट ऑर्डर बोला था जहां कहीं पर भी ज्यादा अच्छा डोनेशन हो सकता है सबसे सिंपली कार्बन के साथ सभी को बॉन्ड बनाना है यहां पर कुछ खास अलग टाइप की बातें नहीं है डोनेशन की बातें हैं ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छा डोनर होगी ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छा डोनर होगी तो ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छा डोनर होगी है ना बाकी ऑप्शन में गड़बड़ी किया हुआ था तो वहां पर सही चीजें थी ऑफ द इज मोस्ट स्टेबल ये तो फोड़ देंगे आप जल्दी फोड़िए प्लस फोर कीजिए इसमें सारे लोग प्लस फोर कीजिए फटाफट फड़। प्लस फोर कीजिए प्लस फोर कीजिए फटाफट फड़। ऑप्शन ए ऑप्शन ए भाई कोई दिक्कत नहीं है एरोमेटिक है फॉलिंग स्ट्रक्चर एरोटिक नेचर अगला क्वेश्चन एरो पर ही कौन एरोमेटिक है काफी सारे रोमैटिक दिख रहे हैं यहां पर तो इसमें भी प्लस फोर कीजिए फटाफट फड़। ये भी हाई स्कोरिंग है प्लस फोर करो फटाफट फड़। करो क्या चल रहा है hmm. किस किसने गड़बड़ की जिसने यहां पर इस क्वेश्चन में गड़बड़ की इसको माइनस एट करना माइनस फोर माइनस वन नहीं करना उसको माइनस फोर करना या माइनस एट करना बेचान सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना ऐसे जितने भी हमने एयरमेटिसिटी वाले क्वेश्चन तो यार तुम गलत कर ही नहीं सकते यार ऐसे कैसे कर सकते हो बेसिसिटी और वाला भी नहीं कर सकते इसको सारे पॉइंट तुमको उसके पता चल गए हैं तुमने अगर रिवाइज अगर तुम नहीं करोगे पॉइंट्स भूल जाओगे तो माइट भी तुम गड़बड़ कर दो रिवाइज करके रखना यार जीओसी एक तो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करती है दूसरा क्वेश्चंस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं ओके okay, तो बेसिसिटी में लीस्ट बेसिक पूछा गया है जहां पर नाइट्रोजन का पेयर सबसे ज्यादा रेजोनेंस में होगा कार्बोनाइल ऑक्सीजन जहां पर सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर का वहां पर सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन जहां पर सबसे ज्यादा वहां पर सबसे कम सबसे ज्यादा हो रहा है दो कार्बोनाइन लगे हुए हैं बाकी में कार्बोनाइन लगे हुए नहीं है दो कार्बोनाइन लगे हुए बी में माइनस वन करो जिसने गलती किया है। solution, Carbogadine stability. Carbogadine stability में हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में भी देखा था न्यूट्रल ऑक्टेट उसके बाद चार्ज ऑक्टेट ऑक्टेट तो सर्च करें ऑक्टेट सर्च करें कहां पर ऑक्टेट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है कहां पर ऑक्टेट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्या आंसर डी लेट अस सी भाई साहब सही है देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करके यहां पहुंचेगा और यहां से रेजोनेट करके यहां पहुंचेगा और यहां से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी राइट right? परफेक्ट बढ़िया बहुत अच्छे नेक्स्ट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिक्रीजिंग uh, ऑर्डर चाहिए हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसिडिटी के बनाए और अभी आपको जो मेन के दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन जो है वो बहुत स्कोरिंग है कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लीजिए कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने पी में कितने आपने सही किए दस बारह क्वेश्चन होंगे दस होंगे तो आउट ऑफ टेन बताइए बता सकते हैं अपने फोड़ो फटाफट देखो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ड्राॅइंग ग्रुप ज्यादा है वहां पर एसिडिटी ज्यादा है राइट ये काम कर लिया आपने ऑप्शन ए फोड़ रहे हैं आप आइए चेक करते हैं वाह ऑप्शन ए सही है। कोई और ऑप्शन था ही नहीं है ऑप्शन ए पैरा पर अच्छा ये क्यों नहीं है क्योंकि मेटा पर है माइनस आई लगेगा बट माइनस एम नहीं लगेगा राइट क्या बात है में आप तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 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 द द द एसिडिटी अल्फा हाइड्रोजन फॉलोइंग कंपाउंड ये भी डायरेक्टली आपको बताया हुआ है पर लेट अस सी दैट कि आप फिनाइल की वजह से क्या करते हैं ओ एम ई क्या कर सकता है एन एम ई क्या कर सकता है कैसे यूज करते हैं आप ओ एम ई का और एन एम ई का करो मोस्ट एसिडिक चाहिए देखो दो बातें यहां पर देखना आप पहले तो इसे सबसे लीस्ट एसिडिक कर दीजिए ए को लीस्ट एसिडिक इस मामले में कि आपको मतलब ये तो जरूर देख लेना है कि क्या आपको एक्टिव मिथाइलिन कहीं पर दिया है तो एक्टिव मिथाइलिन दिया है एक्टिव मिथाइलिन मिथाइलिन है है जहां पर एक्टिव वहां पर वो आंसर होने वाला है तो इन दोनों को तो साइड कर दीजिए पहले तो ये दोनों तो नहीं होने वाले अब इन दोनों में भी मतलब इन दोनों में भी बी के बाद मुझे डी रखना है कि ए रखना है ये डिसाइड करना है तो आप देखेंगे यहां पर ना हर जगह कीटोन है कीटोन है कीटोन है बट यहां पर प्लस एम है

दिख रहा है तुम्हें दो हज़ार बाईस में अच्छे कैसे क्वेश्चन आए हैं नॉन ऑरोमेटिक वाले जरा फोर की दिखाई जल्दी से ओके okay, सो so, क्या रहा है आंसर सी सही है नॉन ऑरोमेटिक है ना टेन एनलिन फोर दिया था सबने ओके okay. स्टेबिलिटी ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोनियम सॉल्ट में बेंजीन बेंजिनके ठीक ऊपर एन टू प्लस लगा हुआ है तो एन टू प्लस की स्टेबिलिटी चाहिए हमें एन टू प्लस की स्टेबिलिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जरा इसमें भी प्लस फोर करके दिखाइए करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर में जहां पर सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा है पॉजिटिव चार्ज को करता है तो सबसे अच्छा डोनर ये ए no तो no को, अच्छा को आगे में कर दो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी जहां पर डोनर ए आगे में है, और सबसे गंदा डोनर यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी देगा बी लास्ट ठीक है हलवा था ये भी आ, यहां पहचानना है आपने कि कौन स्पायरो कंपाउंड है कौन एरोमेटिक है कौन बायोसाइक्लो है स्पायरो कंपाउंड में दो रिंग्स फ्यूज करती हैं एक कार्बन पर जितने लोगों को नहीं पता स्पायरो कंपाउंड दो रिंग्स फ्यूज करती हैं एक कार्बन पर और बायोसाइक्लो में दो रिंग्स फ्यूज करती हैं दो कार्बन पर ये दो रिंग्स है इन दोनों रिंग का फ्यूजन दो कार्बन पर बायोसाइक्लो कंपाउंड देगा इन दोनों रिंग के फ्यूजन से ये रिंग बनेगा स्पायरो। चेक करो आप देखो बताओ ऑप्शन ये भी आसान है एरोमैटिक पहचानना है एरोमेटिक वाले को सबसे साइड करो यार दा 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 दा। दो ऑप्शन तो आ जाएंगे फटाफट उसके बाद आप ए ऑप्शन से भी कैच कर सकते हो बी से भी कैच कर सकते हो क्या ऑप्शन आ रहे हो बढ़िया स्पायरो बायसाइक्लो दोनों पहचान गए तो बी वाले को देखोगे तो वो बायसाइक्लो है ये सी वाला स्पायरो कंपाउंड है 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 सी का वन का चूज चूज करो करो डी 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 क्या एरोमेटिक ना तो ऐसे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तुमको बी और सी फिफ्टी फिफ्टी हो गया फिर उसके बाद ए का थ्री बी का फोर इसमें डिफरेंसेज है तो ए का थ्री नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये तो क्या छो ही रहा है हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है जो रिंग है उस रिंग में सारे आइटम सेम नहीं है एक आइटम डिफरेंट होगा या एक से ज्यादा आइटम डिफरेंट होंगे तो ऑक्सीजन है ना तो हेट्रोसाइक्लिक है बढ़िया बना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है चूज द करेक्ट ऑर्डर द बेसिक नेचर बेसिक नेचर बेसिक नेचर का करेक्ट ऑर्डर बताना है थोड़ा फोड़ो फोड़ो एनर्जी डाउन नहीं करो फोडालो फोडो फो डालोट फो डालो, फो डालो। डन है क्या आ गया बी फॉर आई टी बॉम्बे अरे क्या बात है सही हो गया तब तो प्लस फोर भाई डी फॉर आई टी डेली हो गया ये तो <laughs> चलिए कोई नहीं बॉम्बे हो चेक करते भाई ए वाला ऑप्शन क्यों ज्यादा दिखाया जा रहा N -n है एन एन डाया एनिलीन है बेसिसिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा था स्ट्रक्चर बनाने में कोई गड़बड़ हुई है आपसे पक्का एन एन डाया यानी कि नाइट्रोजन पर दो मिथाइल लगाने हैं तो यहाँ पर तो डोनर ग्रुप ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा ही होगी एन मिथाइल यानी कि एक मिथाइल है ऊपर वाले में दो मिथाइल है तो ज्यादा बेसिसिटी वहीं पर होगी ना ओहो हो फिनाइल मिथेनामाइन है ये तो बी हो गया ना ये तो बी ऑप्शन है फिनाइल मिथेनामाइन इज ऑप्शन ए राइट फिनाइल मिथेनामाइन सी एच टू एन एच थ्री भाई फिनाइल मिथेना सी एच टू एन टू दिस इज राइट करेक्ट बढ़िया तो ए वाला ऑप्शन सबसे ऊपर आएगा डी वाला सबसे नीचे क्यों ना क्यों आएगा क्योंकि बेनजीना माइन तो ये हो गया ना बेन्ना माइन तो एन एच टू हो गया डायरेक्टली इसमें तो डोनर भी नहीं लगे हुए बाकी डोनर लगे हुए थे लीजिए अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कंपाउंड विच पजेस असिमेट्रिक कार्बन एटम भाई देखिए यहां पे आपको बस तंग करने के लिए कायरल कार्बन वाला एक पॉइंट डाल दिया ये <laughs> मैंने ऐसे ही बस तंग करने के लिए किया था बिकॉज के काम तो अपना जीओसी का हो गया अब हम जो ऑर्गेनिक में जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो क्या है स्टीडियो केमिस्ट्री है आइसोमेरिज्म है उसके लिए वार्मअप है कर लीजिएगा कायरल कार्बन पहचानना को दिक्कत काम है नहीं पहचान लीजिएगा ना तो हमारा जो है काम जीओसी का खत्म है आपने ये करना है ये आपका होमवर्क है इसको एज अ मॉक टेस्ट करना है आपको और जो पीछे जो हमने पी, आप पी, तो पी सेक्शन आपका आपको टाइम वॉन्डेड ही करना चाहिए अभी के टाइम पर आज आपका टाइम काफी सेव हुआ है है ना तो आपका टाइम जो सेव हुआ है उसको आप कहां लगाने वाले हैं जल्दी फटाफट बताइए प्रॉमिस कीजिए कि आप उसको अपने टाइम बॉन्डेड रिविजन पर करेंगे अभी आप एक ब्रेक लेंगे और आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके पास अगर समय है तो आप इसी में करके इसको फिनिश कर लीजिए रेस्ट करना है कर लीजिए सोना होना बीच में एक घंटे सो लीजिए और नहीं तो आप जाइए रिविजन कर लीजिए थोड़ा देर ब्रेक लेकर के फिनिश कर लीजिए जिन क्वेश्चन में गलती हुई है जिन पॉइंट्स को आप मिस करते आए जीओसी में उनको रिवाइज कर लीजिए हमने हर तरह के पॉइंट्स Uh, एस डी और बेसिसिटी जो आपका सबसे सब वीक टॉपिक होता है उस पर बहुत अच्छे से हमने डिस्कशन किया है बहुत एक्सप्लटरी डिस्कशन किया है हर तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश की है बट uh, हाँ नो डाउट कि हमने मेन्स रेंटेड काम ज़्यादा किया है बट उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे एसिडिटी के और uh, फिर भी आपको कुछ और आपको डाउट होता है तो वैसे तो आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको दे दिया माइंड मैपिंग करके भी आपको दे दी है बाकी कोई भी दिक्कत हो तो दोस्त को याद कर लीजिएगा बीस्ट केमिस्ट को तो चलते भाई और हाँ आप में से जितने लोग हैं जो कि नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यहीं पर आपको नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं अपडेट यहीं पर मिलते रहता है तो कमेंट्स में वीडियो खत्म होने के बाद आप प्रॉमिस करके जाइएगा रिवीजन का वो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो मिस मत कीजिए एक और बात जो मैं बता रहा हूं कि आपकी वीक क्विजेज आने वाली वीक वीजेज मिस मत कीजिएगा रिवीजन के लिए अल्ट्रा प्रो चीज है और वो नॉर्मल क्विज नहीं है मेंटी क्विज नहीं है पिछले साल दो वाले वीक क्वीज को आप देख सकते हैं जो भी वीक विजेस होते हैं वो आपकी इनऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक के रिवीजन के लिए बहुत तगड़ी चीज है फिजिकल के फॉर्मूले के रिवीजन के लिए बहुत तगड़ी चीज है तो अभी मैं कंटिन्यूसली बैक टू बैक लगाऊंगा आपको पता जेई मेन के टाइम पर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता हूं कि तुम्हारा रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो सके बताओ क्यों इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में 80 प्लस लाना बहुत पॉसिबल होता है और केमिस्ट्री वफादार होती है लॉयल होती है सच्चा प्यार होती है <laughs> आप फंसते नहीं हो आपकी प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा रिटर्न अगर मिलता है तो वह केमिस्ट्री में मिलता है सबसे कम टाइम में होती है सबसे ज्यादा समय निकालने वाला सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा मार्क्स निकालने वाला सबसे ज्यादा रैंक निकालने वाला सब्जेक्ट है इसके साथ वफादारी आप भी रखिए और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है देखिए आप चुपचाप बस सेशंस से लगाइए डेडिकेटेडली इसमें अपना 200 परसेंट देने की कोशिश कीजिए इन्वॉल्व हुई बातों को सुनिए रिवाइज केमिस्ट्री में कम समय में आपको रिवीजन करने की जरूरत पर फिजिक्स मैथ में आप घंटे 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 लगाएंगे पर आधे में रिवीजन बहुत बड़ा आपको प्रोडक्टिव रिटर्न देता है ठीक है ठीक तो इन सब बातों को मिस मत कीजिए की कर करके रखिए एनर्जाइज रहिए मुझसे ज्यादा एनर्जी दिखाइए टेक क्या बाई दुआएं